अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सरप्राइज हो गए ना, आज भी ईद मुबारक। अरे भाई, मेरे लिए तो पूरा हफ्ता ईद का है। साल में एक दफ़ा तो ईद आती है, ये वाली ईद ईद उल फितर ना। और जब ये आती तो मेरे चाहता है कि मैं इस पूरे वीक को सेलिब्रेट करूँ। ज़ाहिर है माशाल्लाह पूरा महीने रोज़े जो हमने रखे हैं तो इसको सेलिब्रेट तो करना चाहिए। जब पिछली ईदें जो गुजरी हैं उसमें तो ये होता था कि दिन बटे होते थे कि एक दिन हमने मैके जाना है, एक दिन हमने ससुराल की दावत करनी है, एक दिन हमने अपने दोस्तों को टाइम देना है, एक दिन हमने अपने पड़ोसियों को बुलाना है घर पर या उनके घर जाना है, और एक दिन हमने अपने कलीग्स को तो बुलाना ही बुलाना है घर पर, और एक दिन कोई ऐसा है जिस दिन हमने बाहर निकलना है। अब आप ये देख लें कि ईद पर मुझे लग रहा है पूरे हफ्ते की छुट्टियाँ मिली हैं ना। गिन लें, अगर आप हिसाब लगा लें तो आपकी कोई 5-6 छुट्टियां तो हो गई ना। तो उसके लिए अब लॉकडाउन है, आप कहीं जा नहीं सकते, तो आप टीवी ही देखेंगे। तो मैंने कहा इस साल तो ज़रूरी है कि आज का शो भी, यानी चौथे दिन का शो भी हम ज़रा धूम धड़क्के से सेलिब्रेट करें, क्योंकि मेरे नाज़रीन घर पे बैठे हैं, वो बोर ना हो रहे हों। उनको एंटरटेन करने के लिए उनके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाना बहुत ज़रूरी है। ये वो गेस्ट होते हैं जो आमतौर पर हमारे शोज़ पर नहीं आ पाते अपनी ड्रामों की मसरूफियत की वजह से, लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन है इसीलिए इन सब ने हमें इतनी आसानी से टाइम भी दे दिया और हम कामयाब हो गए आपको एंटरटेन करने में। वैसे हर किसी की कोई ना कोई जिम्मेदारी होता है, कोई ना कोई पैकेज होता है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ एज होस्ट, एज मॉर्निंग शो होस्ट, मेरी जिम्मेदारी, मेरा पैकेज ये है कि मुझे आपको सुबह सुबह एंटरटेन करना है। खुद चाहे दिल में कुछ हो, तबीयत ख़राब हो, मुस्कुरा के हंस के पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजनी है ताकि आप अपने सुबह का आगाज़ अच्छा कर सकें। आपको इंटरटेनमेंट भी देनी है, साथ साथ आपको सही टोटके टिप्स भी देने हैं, आपको अच्छी बुरे की बातें भी बतानी है, लेकिन बहुत सारी नसीहतें नहीं करनी क्योंकि मुझे आपको बोर नहीं करना, क्योंकि मज़ा करना है। तो मज़े ही मज़े में बहुत सारी चीज़ें सिखानी है, वो सारी चीज़ें जो हमारी हाउसवाइफ्स घर में रह कर सीखना चाहती हैं। मेकअप, खाना, पहनना ओढ़ना, थोड़ा बहुत बोलना चालना। बहुत पढ़ी लिखी बातें नहीं करती मैं अपने शो पे, उसकी रीज़न ये कि बचपन से लेकर जवानी तक स्कूल कॉलेज ये सब तो हम कर रहे होते हैं। इस वक्त जब आप घर में बैठे हुए हैं ना, तो मैं तो भाई एंटरटेनमेंट वाली ही लाइन पर रहती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं इधर उधर ज़रा शेर व शायरी और पढ़ी लिखी गुफ्तगू में जाती हूँ। आप देखते भी नहीं, रेटिंग भी नहीं आती उन शोज़ की, मैं क्या करूँ। बहरहाल सबके पैकेजेस को लेकर अगर हम चलें तो सबसे पहले आता है अब्बा का पैकेज। हमारे वालिद साहब, वालिद मोहतरम जो है, वो एक पैकेज लेकर दुनिया में घूम रहे होते हैं। उनके ऊपर एक लेबल लगा होता है, जिम्मेदारी का लेबल, और वो है कमा के लाना। कमाएंगे तो घर में चूल्हा जलेगा, बीवी बच्चों को पालना, दवा दारू करना, बिल्स जमा कराना, फीस पे करना, और ऐसी बहुत सारी, बच्ची की शादी कराना है भाई, और क्या कोई कोर्स करना है तो उसके पैसे देना, हर चीज़ का जवाब होता है। अम्मी के पास जाओ तो कहो अपने अब्बा से मांगो, घूमने फिरने जाना, खाने पीने, कोई पॉकेट मनी लेना अपने अब्बा से मांगो। तो ये एक पैकेज है जो अब्बा की जिम्मेदारी है और उनके बैग में ये पैकेज होता है। तो फिर आ जाए आप अम्मा के ऊपर, घर की माँ, घर के निज़ाम को चलाने का पैकेज ये शामिल है उनकी जिम्मेदारी। बच्चों की तरबियत, अगर बच्चे अच्छे हैं तो वो अब्बा के, अगर बच्चों ने ज़रा भी कोई बदतमीज़ी की, हाँ भाई इनकी अम्मा ने तो उनको कुछ सिखाया ही नहीं, तो आगे जिम्मेदारी अम्मा के ऊपर बच्चों की तरबियत की। और घर में अच्छा खाना पकेगा तो ही वो भी अम्मा की जिम्मेदारी। अरे भाई बहुत भूख लगी है, पेट भरने की जिम्मेदारी किसकी है? अम्मा की। मेहमानों को अच्छे अच्छे खाने पका कर मेहमान नवाजी करना, एनवलप में कितने किसको पैसे देना है, रख रखाव ख़ानदान से किससे किसको मिलवाना, ये सब है अम्मा की जिम्मेदारी। अब आ जाएं आप घर के दामाद। घर के दामाद भी एक पैकेज लेकर आते हैं और उनके पैकेज में बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं होती, बहुत सारे नखरे होते हैं। अब वो होता है ससुराल वालों से नखरे उठवाना, ससुराल पे रोब जमा के रखना। जैसे कल कह रहे थे ना मुनीब, मैं अपने ससुराल वालों से बड़ा रिज़र्व हूँ, वही चीज़ हर दामाद ऐसा करता है, ज़रा रिज़र्व रहना। और हमेशा जब कोई अहम मसला हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और मशवरा देना, और उसका मशवरा माना भी जाए इस बात पर भी फोकस रखना। और साथ साथ अगर बीवी को कोई गिफ्ट दिला दिया हो तो ज़रूरी है कि मैके, मतलब बीवी के मैके से कोई तारीफ़ का सुनना। ये सारे नखरीली पैकेज जो हैं ये दामाद साहब के हैं। अब आ गया बहू का पैकेज। बहू के पैकेज में
शामिल है कि अपनी सास को फॉलो करना सबसे पहले, तो उनके तौर तरीकों को आगे लेके चलना, फिर शामिल हो गया आने वाली नस्ल की तरबियत करना, देवर, अपनी नंद, इन सब के रिश्ते ढूंढना, साथ साथ घर को जोड़ के रखना, ससुर से दोस्ती रखना, और उसके बाद ससुर की दोस्ती के मतलब ससुर को पार्टी बना के सास अगर लड़े तो ससुर से बहुत सारे मशवरे लेके सास को राम करना, ये सारे आते हैं, ये सारी जिम्मेदारियां, ये सारे पैकेज आते हैं बहू के बैग में। अब आ जाएं आप बेटी के पैकेज में। बेटी का काम क्या होता है? अम्मा अब्बा की खिदमत करना, जब तक महके में है अपनी मर्जी चलाना, यहाँ आज ये पकेगा, आज हम वहाँ खाना खाने जाएंगे, अब्बू से मैं ये गिफ्ट लूँगी, मुझे तो फलाना जगह जाना है। लेकिन जब शादी हो जाए तो फिर बेटी का सबसे बड़ा काम होता है माँ बाप को याद करना, उनकी दवाई कितने टाइम पर लेनी है, उनको डॉक्टर के पास ले जाना, उनसे फ़ोन करके पूछना कि आपने फलानी चीज़ खाई, आप अपना ख्याल नहीं रखते, मतलब वो केयर जो शायद बेटा माँ बाप के साथ रहकर भी नहीं करता, वो बेटी अपने ससुराल जाके भी कर रही होती है। ये सब है बेटी का पैकेज। और अब आप बेटे पर आ जाएँ, बेटे का पैकेज क्या है, बेटी की जिम्मेदारी क्या है? वो है घर का सुकून कायम रखना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने ऊपर लेना, मुश्किलात का डट के मुकाबला करना, अम्मा अब्बा की जिम्मेदारी उठाना अपने कंधों पर और उनको रिलैक्स करना, उनको रेस्ट देना, ख़ानदान की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना, जो अब्बा सारी जिम्मेदारी ढोते आए हैं अब उसको शिफ्ट करके अपने ऊपर ले लेना, ख़ानदान को एक साथ रखना, उसे मजबूत बनाना अपनी अक्ल से, ये है बेटे का पैकेज। माँ बाप का सहारा बनना और मुस्तकबिल को महफूज करना, तो बेटे से आप तो ये हो गए। मगर ये वो पैकेजेस हैं जो हमें बताए गए हैं, ये वो पैकेजेस हैं जो हमें सिखाए गए हैं, मतलब अगर मेरी नानी ने मुझे कुछ बताया होगा तो वो यही होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अब ज़माना चेंज हो रहा है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि ये पैकेज जो मैं आपको बेटे का बता रही हूँ, ये पैकेज एक्चुअली बेटियां लेके चलती हैं, बहुत सारे घरों की जिम्मेदारियां बेटियां उठाती हैं, बहुत सारे घरों की जिम्मेदारियां हस्बैंड्स नहीं वाइफ्स उठाती हैं, यानी माएँ उठाती हैं, बल्कि बहुत सारे घरों की दोनों जिम्मेदारी बाप की भी और माँ की भी वो माँ उठाती हैं, और कहीं कहीं बहुत कम लेकिन मैंने देखा है कि बाप भी दोनों जिम्मेदारियाँ उठा रहे होते हैं, अपनी पैकेज की यानी अपने बाप होने की पैकेज की और माँ के पैकेज की भी, ये डिपेंड करता है। तो हमने हार्ड एंड फास्ट रूल फिक्स कर दिए हैं, मगर बहू दामाद, बहुत सारे दामाद ऐसे मैंने खुद देखा है अपने ससुराल वालों को उम्रा कराने लेके जा रहे होते हैं, अपने ससुराल वालों की पूरे हॉस्पिटल का खर्चा, सास ससुर को किधर लेके जाना है, क्या करना है, बहुत सारे दामाद कर रहे होते हैं। तो ये रूल्स हमने फिक्स कर दिए हैं, मगर ऐसा नहीं है हकीकतन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, हर किसी के ख़ानदान में हर किसी के तौर तरीके मुख्तलिफ हैं। और यहाँ आज मैंने एक ऐसी बेटी को बुलाया है जिसके कंधों पे वो पैकेज है जो हमने शायद बेटे के कंधों पे डाला है, ये वो बेटी है जो अपने ख़ानदान को अपग्रेड करके लेके गई है, उसने मेहनत करके अपना एक मुकाम बनाया है, एक अच्छी बेटी तो वो है ही, लेकिन साथ साथ उसने अपने माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी भी दी है, अपने कामयाब होने के बाद अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को एक अच्छा मुस्तकबिल भी सौंपा है। और ना सिर्फ ये, उसकी तारीफ में क्या कहूँ, सारे कैरेक्टर्स जो वो ड्रामे में एक्ट करके आपको दिखाती है वो इतने मज़बूत लिखे हुए होते हैं, इतने मज़बूत कैरेक्टर स्केचेस होते हैं जो वो बहुत ही बाखूबी निभाती है, साथ साथ इतने अच्छे कंटेंट के ड्रामे उठाती है कि हर ड्रामा हिट होता चला जाता है। आइए मिलवाते हैं आपको आपकी फेवरेट पर्सनालिटी से, कौन है वो, बोलो कौन है वो, तो फिर ज़रा बूझो तो जाने, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ईद मुबारक पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके फेस्टिवल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, आपके लिए गिफ्ट के तौर पे हम आपके लिए रोज़ खूबसूरत सेलिब्रिटीज़ लेकर आए हैं जो पूरे साल आप देखने के लिए तरस रहे होते हैं, ड्रामों में तो आप उनको देख रहे होते हैं लेकिन उनकी बात, उनका खूबसूरत चेहरा जो किसी कैरेक्टर से दूर उनकी असलियत आप पर नुमाया करता है, उसको देखने के लिए आप तड़प रहे होते हैं, वो चेहरे हम आपको ख़ास तौर पर ईद पर दिखाते हैं
ताकि ख़ास तौर पे इस ईद के लिए, तो जब आप लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं और शायद उतना निकल भी नहीं रहे, तो ईद का जो समय है वो आपको नज़र आना चाहिए अपने स्क्रीन के ज़रिए, जो बिल्कुल सेफ़ है। तो आपकी ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए मेरे पास आज एक ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जो बहुत पावरफुल एक्ट्रेस तो हैं ही, साथ बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छी सी उनकी जो पिक्चर्स अगर आप इंस्टा वगैरह पे देखते हैं, क्या वो ड्रेसिंग करती हैं, देखते ही देखते मेरे सामने तो बिल्कुल छोटी सी थी, देखते देखते ग्रो की हैं। और मैं हमेशा जब भी उनकी कोई पिक्चर मुझे अच्छी लगती है मैं कॉमेंट करती हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को स्टाइलाइज किया हुआ है, कपड़े जूते बाल जिस तरह के वो बना कर कैरी करती हैं, तो उनसे बहुत सारी लड़कियों को कुछ सीखने का मौका मिलता है। इतनी स्टाइलिश वो कैसे हो गई, इतनी स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस वो कैसे बन गई, इतनी पावरफुल पर्सनालिटी कैसे बन गई, बना दी गई उनकी, क्योंकि जो हीरो उनके सामने खड़ा होता है ना वो बड़ा बेचारा कांप रहा होता है कि कहीं ये मुझे उठा के सीन में पटक ना दें अपनी एक्टिंग के जरिए। जी तो ये है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस, आपकी फेवरेट सोनिया हुसैन। ऑडियंस सही है, मैं ही तुम्हारे लिए तालियां बजा। अस्सलाम वालेकुम, ये वाली ईद मुबारक हमारी को, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत आप अच्छी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। और हम कोई कोई साल बाद तो मिल रहे हैं, डेढ़ साल पता नहीं बाद मिल रहे हैं। कितने इनफैक्ट कभी भी मैं किसी भी जैसे मॉर्निंग शो वगैरह पे गई हूँ, हाँ। आपके ही शो पे गई हूँ, किसी हाँ। भी इत्तेफाक है। और जब बिल्कुल नहीं आई थी तब सबसे पहले आपके शो में आई थी, उसके बाद लाइफ में चेंजेस आई तब आपके शो में आई। बाकी सोनिया हमेशा ही मेरे शो पे आई, मेरे से ग्रो करते हुए देखा है, इतनी मजे मजे की एक्टिविटीज, सबसे आगे होती थी, इतनी हंसाती थी। आपको बहुत ईद मुबारक, सारे लोगों को जो देख रहे हैं घर में बैठे हुए इतने दिनों से, डेढ़ महीने से, सबको बहुत ईद मुबारक। तो तुम मतलब मैं तो कहती हूँ जो मेरे सेलिब्रिटी रोज ईद के शो पर आ रहे, मैं उनको सबको यही कह रही हूँ और तुम्हें भी ये कह रही हूँ कि हम फ्रंट लाइनर्स हैं, क्योंकि हम अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए स्क्रीन पर यहाँ आए हैं, घर से निकल के। आइए प्लीज तशरीफ रखिए। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई वैसे आज की ईद जो है वो तो इस साल की ईद तो वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है ऑब्वियसली, लेकिन मेरा पहला सवाल वही है, कोई बात नहीं हम पुरानी ईद के बारे में बात करते ना, जो सोनिया की पिछली ईदें गुजरी हैं बचपन से लेकर अब तक, सोनिया का कैसा मतलब कैसा माहौल होता था ईद मनाने वाला, क्या चांद रात की क्या तैयारी होती थी? सबसे पहला सवाल तो यही बनता है ईद के शो का। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये ऑब्वियसली शॉपिंग जो इस साल बिल्कुल भी कोई भी नहीं कर सका, हाँ। वो होती है मेहंदी लगाने का, मुझे वैसे मैं बहुत ज्यादा लगाने का शौक नहीं है, लेकिन हाँ। बहनों को सबको मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि खुद लगाती हूँ, मुझे लगानी आती है बहुत बचपन से, बहुत अच्छी लगानी आती है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी तो लगानी नहीं आती मगर अच्छी लगानी आती। तो तुम लोग इसका मतलब चांद रात पे मेहंदी लगाने कहीं जाते नहीं थे, तुम्हारे आगे बैठ जाती थी सारी बहनें, सब मैं लगा, कजन्स वगैरह भी? नहीं नहीं कजन्स नहीं इतना, क्योंकि मेरे इतने कजन्स हैं भी नहीं। बहनें कितनी हैं? दो, एक, या मुझे याद नहीं आ रहा। वी आर थ्री सिस्टर्स, मुझसे छोटी दो हैं, हाँ, और एक भाई है, और जिसकी शादी हुई है जो अमेरिका चली गई शादी होके, वो तुम्हारे तुमसे छोटी है। आपको सब याद है? नहीं, वो मुझसे एक साल छोटी है जी, वो एक साल छोटी है, और उससे छोटी, वो तो बहुत छोटी थी, वो भाइयों से भी छोटी है, वो आई थिंक शी इज नाउ 16। अच्छा, हाँ, तो तीन बहने, और सबसे ज्यादा रोब तुम्हारा होता था या अभी है? रोप तो है, रो है। तो चांद रात पे और क्या क्या करते थे तुम लोग? मेहंदी तो तुम लगा रही हो, चूड़ियाँ, ये सारी चीजें होती थी? I think घर की, क्योंकि ईयरली घर की मेंटेनेंस होती है, हाँ। तो वो एक चीज होती है, फिर ये होता है कि स्पेशल कल क्या बनाना है, क्योंकि obviously सारे relatives शुरू से हमारे घर आते थे, कि हमारी नानी सबसे बड़ी है फैमिली, हाँ। में तो ये देखना कि क्या बनेगा क्या नहीं, क्योंकि आई थिंक ईद इज द ओनली डे जब आपको छुट्टियां मिलती हैं वैसे नॉर्मल डेज से, exactly. वरना तो आपको पता है संडेज भी कितने बिजी होते हैं यूजुअली, हाँ, ये पहला मौका है जब इतना हम फ्री हुए हैं एक साथ और फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका मिला है, एक तरह से पॉजिटिव भी है ये बात, हाँ, हमारे लिए सब, ये तो सबसे अच्छी बात है कि लाइक हम इसको ये ले रहे हैं कि दुनिया कहाँ से क्या हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़ पाए हैं बिल्कुल क्वारंटीन की वजह से। तो चांद रात बहुत गहमा गहमी वाली होती थी, निकलती थी दोस्तों कजन्स के साथ, जी आइसक्रीम खाने चलो और कोल्ड ड्रिंक पीने चलो या कुछ चाट वगैरह कोई ऐसी पानी पूरी। आई थिंक ईद के फर्स्ट डे जाते थे, हाँ। लेकिन चांद रात को तो नहीं, क्योंकि चांद रात को इतना हैसल होता है हर चीज, क्योंकि लास्ट मिनट हो रही होती है, शूट्स पे बिजी होते हैं, तो हाँ। मोस्टली चांद रात को कपड़े भी चांद रात को डिसाइड हो रहे होते हैं अगले दिन क्या पहनना है, तो चांद रात तो वैसे ही गुजर जाती है, सुबह फजर तक इस तरह की चीजें होती हैं, बट ईद के फर्स्ट डे के बाद
तीन दिन थोड़ा सा होता है हल्ला गुल्ला. क्या क्या होता है ईद के फर्स्ट डे जैसे सुबह के वक्त क्या होता है? सोती रहती हो या उठ के तैयार? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत शौक है सुबह उठें, सब लोग बैठें डाइनिंग टेबल पे और यू नो सुबह का ब्रेकफास्ट करें साथ, पूरा दिन इसी तरह से. फिर शाम को मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं तो वो आते हैं, तो हमने तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स के साथ याद है एक दफा शो भी किया था. बिल्कुल, तो घर पे थी. जी जी जी, तो वही है, वो आते हैं फिर उनके साथ बैठते हैं और यू नो अभी तक है उन सबसे दोस्ती. बिल्कुल. वाओ, मतलब मजे की बात है यार, वो पुराने दोस्त जो हैं बिल्कुल वो हमेशा बचपन के दोस्त, वो तो बचपन ही था. बचपन की दोस्ती ऐसी होती है जो कभी भी भुलाने वाली नहीं होती. नहीं होती. बाद में आपको ये होता है क्योंकि कभी, क्योंकि मेरे साथ जिंदगी में इस तरह है कि मुझे ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं. तो मुझे ये कि बचपन के जो लोग हैं ना वो तो बहुत ज्यादा क्लोज है मुझसे, तो मैं एटलीस्ट उनको तो बिल्कुल भी लाइफ से नहीं जाने देना चाहती, चाहे वो कैसे भी हो. उनको टाइम दे पाती हूँ? ऑफ कोर्स दे पाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली फोन वगैरह हैं तो मिल तो कोई भी नहीं सकता बहुत फ्रीक्वेंटली, लेकिन ये कि फोन पे इन टच रहते हैं, ग्रुप बना हुआ है, एसएमएस और ये वो चलता है, आजकल लूडो खेलते रहते हैं. ये तो बहुत अच्छी बात. अच्छा, तो सुबह तुम तैयार होके सबको बिठाती हो डाइनिंग टेबल पे, क्या वो खास खाने हैं जो तुम्हारे घर ईद पर बनाए जाते थे? हमारी बिरयानी जरूर बनाई जाती है. और अब बाय द वे अभी रिसेंटली मैं बिरयानी सही बनाती थी, लेकिन अभी क्वारंटीन में मैंने बहुत अच्छी बिरयानी मैं आपको बना के भेजूंगी. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस दफ़ा डिस्कवर की हैं और मुझे लगता है कि मुझे लगता नहीं था कि कुकिंग में इतना हाथ वो हो सकता है. अच्छा. लेकिन मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे लोग, इनफैक्ट लड़के भी कितने अच्छे अच्छे खाने बना के खा भी रहे हैं. लोगों के अंदर की जो एक्सप्लोर कर रहे हैं ना अपनी पर्सनैलिटी से वो निकल के बाहर आ रहे हैं. पता है कुकिंग से डिप्रेशन दूर होता है ये पता नहीं, बहुत सारी मैं तो बहुत सारी रिसर्चेस करती रहती हूँ शो की वजह से, तो कुकिंग आपका डिप्रेशन दूर करती है. और बहुत सारे लोग जो इस वक्त डिप्रेस हो रहे होते हैं ना, यार काम नहीं हो रहा, काम फंसे हुए हैं, बिजनेस बंद हो गए हैं बहुत, तो वो कोई रिलीज होता है उनका डिप्रेशन कुकिंग करके. बिल्कुल. और मुझे लगता है कोई भी आर्ट की कोई भी फॉर्म हो, चाहे इधर वो कुकिंग हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, सब आपका यू नो स्ट्रेस रिलीज करता है, तो एक हॉबी होनी चाहिए. अच्छा, तो बिरयानी तो खास बनती थी और वो अम्मी के हाथ की होना जरूरी होती थी? अम्मी बहुत अच्छी या नानी जो है वो बेस्ट कुक? अम्मी हमारी बिरयानी बनाती है, बाकी मैं जो है मेरी ड्यूटी है मैं शाही टुकड़े बनाती हूँ क्योंकि वो सबको बहुत पसंद है. और बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं जैसे कबाब वगैरह हो गए, ये सारी चीजें क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल खाना बनता है तो वो कुक बनाती है. अच्छा, वो कुक बनाती है. तो जो छोटी बहन है उनकी क्या जिम्मेदारी होती थी? जैसे होता है ना घर में सबकी कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, भाई बर्तन धोना एक की जिम्मेदारी है, घर की सफाई का ख्याल रखना एक की जिम्मेदारी है, तो किसकी क्या जिम्मेदारी घर में? उनकी जिम्मेदारी कम से कम अपना रूम साफ कर लें. अच्छा, तुम्हारा तो बहुत अच्छा रूम होता था मुझे याद है. आप तो अभी नहीं आई ना, हम तो अभी नहीं आई, पहले आई हूँ. तो वो लेकिन ये कि छोटे बहन भाई क्योंकि उनको वो बहुत पढ़ने में है, स्टूडेंट्स अच्छा. है, इतना टाइम उनको नहीं मिलता. हाँ. तो ये कि वो हम बस ये कहते हैं एटलीस्ट अपना रूम, अपनी बुक्स वगैरह सब चीज़ें साफ. भाई कितने तुम्हारे? एक भाई. एक भाई. तीन बहनें एक भाई. तीन बहन. तो भाई जो है वो तो नहीं, जो लाडला होता ना बोदला भाई के एक. बहुत लाडला है. मम्मी उससे कोई काम नहीं करवाती, एक मुनी देख रहे थे हमें बहुत शिकायत है मुझे तुमसे. उसको इनफैक्ट सुबह ब्रेकफास्ट भी चाहिए होता है तो वो भी उसके बेड पर आता है, ऊपर से बताता है भाई मैं उठ गया हूँ. तो मतलब बहुत, मतलब तीन बहनों को एक लाडला भाई होने का जो है वो मजे उठा रहा है सब बहुत. और तुमसे छोटा है वो? मुझसे छोटा है, आई थिंक ही इज 7 इयर्स यंगर देन. तो वो शो बिजनेस में नहीं है? नहीं नहीं, अभी तो इंटर में. अच्छा, अभी छोटा है तो उसका है कोई ख्वाहिश कि मैं एक्टिंग करूं या कुछ उसमें एक्टिंग के जरा सीन है? बिल्कुल भी नहीं है, वो सना की तरह बहुत शाय है, वो किसी से बात भी नहीं करते. इनफैक्ट गेस्ट भी आते तो अपने रूम से ही नहीं निकलता. तो मैं ये कहती हूँ इस तरह तो नहीं होगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी. तो मैं कहती हूँ कुछ भी करो, तुम ऐसी कोई जॉब करो, कोई कॉल सेंटर में जॉब करो एटलीस्ट कि तुम्हारी बात करने की वो सलाहियत, क्योंकि सब कम्युनिकेशन नहीं होती तो आधी से ज़्यादा चीज़ आप कर ही नहीं सकते जिंदगी. तो वो कुछ भी नहीं बोलता, बहुत कम गो. तो घर में सबसे बोल्ड बोल्ड एंड ब्यूटीफुल तो सोनिया निकली ना. बस बोल्ड यू कैन से, ब्यूटीफुल मेरी छोटी वाली सिस्टर है. वो भी है तुम भी हो. और तुम दोनों मिलते भी बहुत एक दूसरे से. मिलते हैं. मैं अक्सर तुम लोगों की पिक्चर्स देखती हूँ जो तुम अमेरिका जाती हो तो उसके पास मिलने पोस्ट करती हो, बड़ा मजा आता है मुझे देख के, एंजॉय करती हूँ. मैं देखती हूँ आपके कमेंट्स. तुम बहुत घूमने फिरने का तुम्हें शौक है? बहुत ज्यादा. मुझे लगता है मेरी ज्यादातर जो आधी से ज्यादा सैलरी है वो या तो इंटीरियर पे खर्च होती है या मेरे शूज पे खर्च होते हैं या ट्रैवलिंग पे. अच्छा, तो तुम्हारे तीन शौक है? तीन. शूज, घर का इंटीरियर सारा, और ट्रैवलिंग. बचाती भी हो पैसे के, सब उड़ाने वाली है नेचर तुम्हारी. लिटरली पहले तो बिल्कुल नहीं बचाती थी. हाँ. लेकिन अब ये कि थोड़ी सी अकल आने लगी है कि नहीं नहीं ये भी बहुत जरूरी होता. हाँ. है
तो अब ये कि अब मैं काफ़ी सेविंग करने लगी हूँ। सोनिया अब तो जाहिर है तुम कमाती हो, लेकिन मैं पहले की बात करूँ, अगर जब अम्मी अब्बू के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बच्चियाँ, तो उस वक्त सोनिया की क्या ख्वाहिशात होती थी कि मुझे मैंने पैसे जमा करके ये लेना है, मैंने पैसे जमा करके ये, मतलब ईदी से ही चले हम ज़रा ईदी कलेक्ट करके, मुझे अब जमा करके पैसे ये चीज़ तो लेनी है। जी आई थिंक ड्रेसेस का ही शौक था, और बहुत छोटे जब थे तब ये होता था कि वो कोल्ड ड्रिंक पी लें, आइसक्रीम खा लें, कोन बन चीज लेने जाके तो वो ही होता था सबसे ज्यादा जो आप चीज खा सकते हैं वो ईद पे खा सकते हैं। तो ये ईद का ये तो नेचर वाइज सोनिया कैसी थी जब छोटी थी? बहुत सबको हंसाने वाली, शर्मीली तो खैर तुम नहीं होगी, लेकिन जरा डिप्रेसिव रहती थी या हंसती मुस्कुराती, मतलब वो मचलती रहती थी? कैसी नेचर थी तुम्हारी, लाइवली नेचर थी? आई थिंक डिपेंड करता है किसी कंपनी में हो। अच्छा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझ पर ना लोगों की पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर अच्छा। मेरे साथ कोई बहुत अच्छा फ्रेंक इंसान बैठा हो, उससे मैं बात कर रही हूँ, बहुत जॉली और अच्छी तबीयत का, सॉफ्ट नेचर्ड, तो खुद ब खुद ना वो मेरे पर वाइब्स आती हैं और हाँ। मैं खुद ब खुद हंसने लग जाती हूँ, और सामने वाला बहुत सोबर हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका एक ना यू नो तुम भी सोबर हो जाती। डिपेंड करता है, मैं बिल्कुल कोई एक नेचर की नहीं हूँ, मैं बहुत चचोरी भी हूँ। तो बचपन से तुम्हारे अंदर ये चीज है कि जो हमारी कंपनी है वो तुम्हारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस्ड होती है? बचपन से है, बचपन से टीचर्स के साथ बिल्कुल एक बुर्दबार स्टूडेंट बनके, और स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल एक जबरदस्त। तुमने जब सोचा नहीं था कि तुम एक्ट्रेस बनोगी, और जब छोटे बच्चे मुख्तलिफ ड्रीम्स देखते हैं मैं टीचर बनूंगी, कभी कभार तो ये भी कहते, मतलब मेरा बेटा जो है 5 साल का, वो कहता है मैं बड़ा होकर कार ड्राइवर बनूंगा, मैं सुपर स्टोर का जो वो सेल्समैन है वो बनूंगा, क्योंकि वो ही चीज़ें उनको हॉन्ट करी होती हैं उस वक्त। तो तुमने क्या सोचा था तुम क्या बनोगी? मुझे पायलट बनने का बहुत शौक था बचपन से ही, इतना बड़ा ख्वाब भाई, क्योंकि मुझे ना बहुत फैसिनेट करता था कि जहाज में बैठ के जाना, पूरी दुनिया ट्रैवल करना। ऑब्वियसली वो मैं समहाउ कर ही रही हूँ, ट्रैवलिंग तो मैं करती हूँ, लेकिन एक होता है ना कि आप बहुत सारे लोगों को लेके जा रहे हैं, और तो मुझे बहुत ड्रीम भी आता था। ट्रैवलिंग का भी तो शौक होगा ना, इसीलिए ऑब्वियसली, ये नहीं कि मैं जहाज उड़ाऊँ उस तरह शौक है, मुझे ये था जहाज लेके कि चली जाऊँ। तो इसलिए पायलट बनने का बहुत शौक था, लेकिन घर वालों को डॉक्टर बनाने का शौक था, फिर मेडिकल में जाना पड़ा। तो तुमने मेडिकल किया? MBBS नहीं किया हुआ, लेकिन BSN फिजियोलॉजी किया हुआ। अच्छा, तो तुम्हारा था शौक खुद डॉक्टर बनने का, या तुमने उनसे रिपल से वो कि तुमने कहा नहीं भाई, मैंने कहा मैंने नहीं, नहीं आपको पता है ना कि हमारे जो सोसाइटी है यहाँ पर बच्चों की तो चलती ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छी बात है कि अब की जो जनरेशन है, जो अब के पेरेंट्स बनेंगे आगे जाके, तो उनकी मैंने देखा बहुत सारे, मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ, उनकी ये थॉट है कि हम अपने बच्चों से पूछेंगे बचपन से कि वो क्या बनना चाहते हैं, कि ऑब्वियसली लाइफ उनकी होती है। हमारे सोसाइटी में ये बहुत चीज़ है कि बचपन से कहते हैं बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो तुम्हें कितना बोला गया, तुम्हें बहुत बोला गया कि? नहीं, क्योंकि हमने तो कभी एक्सप्लोर भी नहीं किया ना, तो मुझे लगता था हाँ शायद यही होता है, तो फिर वही करते गए। इंटर में भी फिर साइंस ले ली, फिर उसमें भी आगे वही करते रहे, लेकिन क्योंकि इतना दिमाग खुलता ही नहीं है कि आपको वो थॉट प्रोसेस दिया जाए। तो तुम्हारा फैसला कब हुआ कि नहीं भाई मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मतलब मेडिकल कर लिया, इंटर कर लिया मेडिकल में? आई थिंक इंटर में जाके, इंटर में जाके मैंने कहा कि भाई बड़ी मुश्किल पढ़ाई है, 5 साल मैं इस तरह करूँगी, आई थिंक अगर मैं सिंपल BS करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। पढ़ाई में अच्छी थी? पढ़ाई में अच्छी थी, मतलब नंबर वंबर अच्छे आ जाते? जी जी जी, कभी डंडे नहीं पड़े कि रिजल्ट क्या आ गया या गलत साइन अम्मा अब्बा के नहीं? नहीं नहीं, मेरा वैसे जो याद करने का एक मेमोरी है ना वो बहुत अच्छी है। हाँ, वो मैं इस हिसाब से जान छूट जाती, पूरे साल पढ़ने वाली नहीं थी, जो आखिरी वक्त में पढ़ने वाले होते हैं तो वो था, लेकिन ये कि अच्छे मार्क्स आ जाते। अच्छा, ज़्यादा जो अगर मैं तुमसे पूछूँ, ज़्यादा आइडियल तुमने अम्मा को बनाया या अब्बा को बनाया? आई थिंक दोनों से सीख के जो चीज़ें होनी चाहिए वो एक शख्सियत बनाइए, वो आइडियल है, क्योंकि हर एज में ना बच्चों के आइडियल चेंज होते रहते हैं। जी जी, तो कभी कभार उनको अपनी अम्मी लग रही होती है, अपने आइडियल पर कह रहे होते हैं वो लोग, नहीं यार अब्बा है मेरे आइडियल। तो वो एज जैसे जैसे बढ़ती है वो आपके अंदर चेंजेस आती रहती है। बिल्कुल। तो बचपन में तुम अम्मी से अब्बू से ज़्यादा अटैच थी या बड़े हो के अम्मी? तो बचपन में अब्बू से ज़्यादा थी। अच्छा, बाद में फिर जैसे कि ग्रो अप करती रही 9-10 साल की उसी बात से, तब से थ्रू आउट अम्मी से ज़्यादा, अम्मी से। लेकिन ये कि आइडियल शुरू से, वैसे मेरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत ज़्यादा बचपन से, तो बचपन में मैं अपनी उनकी पिक्चर भी लगाती थी, अम्मी कहती अच्छा अपनी माँ की पिक्चर नहीं लगाई है तुमने। लेकिन ये कि मुझे अम्मी से, जो अम्मी की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सॉफ्ट स्पोकन बहुत हैं, उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, बहुत साफ तलफ्फुज़ है, जैसे कि
मुझे किस तरह कहना है। और कुछ कहते हैं ना लोग, कहते हैं कि अच्छा आपको कुछ चाहिए तो आप कहते हैं वो वहाँ पड़ा हुआ है, तो कहते हैं पड़ा हुआ क्या होता है, रखा हुआ होता है। तो उस तरह की चीज़ों अच्छा ये तो तुम्हारे भी मतलब लाइक वो नज़र आते हैं जब तुम रामों का के डायलॉग्स डिलीवर करते हो तो वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। जी जी, आई थिंक अम्मी की तरफ से आई, हमारे दादा की उर्दू भी बहुत अच्छी थी। अच्छा दादा की। तो जी एक मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, मेरे साथ यहाँ सोनिया हुसैन मौजूद हैं, आप लोगों की खातिर खास तौर पर इस ईद के शो के लिए आई हैं, और वो भी देखें लॉकडाउन के बावजूद सारे SOPs को मद्देनज़र रखते हुए। हालांकि इस वक्त हम सब कह रहे हैं कि घर से ना निकलें, लेकिन अगर हम निकल रहे हैं तो इसलिए निकल रहे हैं ताकि आप अपने घर पे बैठे रहें। तो छोटे से वक्फे के बाद आइए, बहुत सारी बातें सुनिए और कीजिए, बल्कि आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं अगर आप सोनिया से कोई सवाल करना चाहते हैं। यहाँ है मेरे पास अभी वो 2.5 घंटे के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखा ना सुबह सुबह एनर्जी बढ़ गई आपकी, क्योंकि हमारे साथ इतनी प्यारी गेस्ट जो मौजूद है, ख़ास तौर पे ईद की जो आपकी खुशियां हैं वो दुबाला करने के लिए यहाँ आए हैं, और बड़े दिनों बाद आई, तो मैं तो बड़ी खुश हूँ सोनिया हुसैन हमारे साथ। खुश हूँ मिलकर। सोनिया जो है, हमेशा मैंने नोट किया जब भी तुमने हमारे शो पर आके एक्टिविटीज़ की हैं तो बड़ी इंटेलिजेंटली तुम जीती हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कोई चीज पहचाननी हो, या वो फिजिकल एक्टिविटी हो। दैट्स इनर साइड ऑफ सोनिया, है ना? चोरी वाली। अरे भाई क्या क्या नहीं सोनिया ने किया ना। तो मैं, क्योंकि हम अब बचपन की बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा जरा देखते हैं कि अपने बचपन के बारे में तो अच्छे से जानती है, दूसरे जो तुम्हारे साथ काम करते हैं लोग, कलीग्स जो हम दोनों के कलीग्स हैं, क्या उनके बचपन को देख के तुम पहचान सकती हो कि ये किसकी पिक्चर है? क्या पहचान सकती हूँ? लेट्स सी। हाँ, बहुत अच्छी न्यूज़ पे। चलो देखते हैं कि सोनिया पहचान पाती है या उससे पहले आप पहचान जाएंगे। ये जो पिक्चर स्क्रीन पे आ रही है, नजर आ रही है तुम्हें? जी। ये तुम्हें क्या लग रहा है, ये बड़े होके क्या बनेगा, कौन बनेगा? या बन गया है? बल्कि ये तो ये लड़की है, लड़का है? अब ये तुम्हें पता होना चाहिए शक्ल से क्या लग रहा है। किसकी आंखें ऐसी? I don't know, I have no idea. अच्छा चलो मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ, लड़के की पिक्चर है। लड़के की पिक्चर? हाँ, लड़के की पिक्चर है। हाँ, मैं आंखों से पहचान गई। मुझे मेरी टीम बता रही है कि ये है, मैंने कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप पहचान गई? मैं आंखों से पहचान गई। अच्छा, वैसे मुझे बिल्कुल। और से आंखें देखो। हमजा? यस एग्जैक्टली। क्या तुक्का मारा, कैसा तुक्का मारा, जबरदस्त भाई। रियली? यस, ही इज हमजा लियाबासी। हालांकि हमजा को मैंने कभी इतने गौर से देखा नहीं है, लेकिन देखिए मैंने भी नहीं इतने गौर से देखा, लेकिन मुझे आंखों की पलखें हैं ना, उससे मैं पकड़ लिया कि ये हमजा है। लाइए तो दिखाई दूसरी पिक्चर, पहला जवाब दुरुस्त। हाँ जी, अब तो पता ही चल रहा है कि लड़की की तस्वीर है। मस्ट बी माहिरा। नहीं, आई एम नॉट टू श्योर। नहीं, माहिरा नहीं है। ये तो मैं हिंट दे सकती हूँ कि अब इसकी नाक खड़ी हो गई है, अभी पिन्नी है, अब खड़ी हो गई है इसकी नाक। अच्छा, कौन हो सकती है? नादिया अफगान? मैं सिर्फ एक तुम्हें और मौका दूंगी, बस फिर बता दूंगी। नहीं, नादिया अफगान नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, यंग जनरेशन में है या फिर मतलब इसी जनरेशन में है? फिल्म में भी काम किया है, ड्रामों में भी काम किया है। माया? नहीं। मैं विश होगी फिर? इतने भी तुक्के नहीं मार सकती आप। दिखा दे, कौन है ये? दिखाए, ये है हरीम। मैं कह रही हूँ ना, अभी नाक खड़ी हो गई, पहले पिन्नी थी। लग रही है वैसे हरीम की तरह, है ना? लगता है बहुत इससे मसाजें कराई अम्मा से ना नाक की। मुझे हरीम का नाम नहीं आया बिल्कुल। हाँ, कितनी प्रिटी है, बचपन में भी कितनी बहुत क्यूट है। आइए जी, दिस वन आई नो, दैट्स उर्वा मावरा। हाँ, वो तो उनकी अम्मी की शक्ल, आंटी की शक्ल से मैं पहचान गई। तो जी, ये उर्वा मावरा है। हाँ चले जी, अब ये बच्चा कौन है भाई? एहसन। पक्का?
सोच लो। ओह यस, क्योंकि एहसन के बेटे की शक्ल एग्जैक्टली उस जैसी, एग्जैक्टली उसके अलावा आई थिंक उस वाली पिक्चर में उसकी कलर्ड आईज नहीं थी, लेकिन जिस तरह से बच्चा देख रहा था ना, वो जो नॉटी एक्सप्रेशन है वो एहसन का भी है। लेकिन ये क्या हुआ, ये कलर्ड कैसे हो गई, बड़े होके कैसे कलर्ड हो गई, आई वंडर, है ना भाई, ये क्या ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, जीन्स चेंज होते हैं वैसे। बच्चे जब पैदा होते हैं कभी कभार उनकी कलर आईज होती है, बड़े होके खत्म हो जाती है। मेरा था ना, अम्मी कहती तुम्हारी 3 साल तक कोई और डिफरेंट कलर था, ये वाला नहीं था, एकदम से चेंज हुआ है, तो ऐसा होता है। अच्छा, तो अम्मी बताती, जैसे मैं पैदा हुई थी तो मेरी अम्मी बताती मैं ऑपरेशन से पैदा हुई थी, मैं इतनी काली कलूटी पैदा हुई थी जिसकी कोई हद नहीं। नहीं, मैं तो बिल्कुल ऑपोजिट थी, हमारे घर में सब कहते थे बच्ची बदल गई है, मैं इतनी प्यारी थी और इतनी मतलब के हेल्दी बहुत ज्यादा राउंड राउंड इस तरह से सब कहते थे। नहीं, हमारे घर आई कलर भी चेंज था, किसी अम्मी अब्बू का बिल्कुल भी वो नहीं है। तो सब कहते थे पहली थी ना घर की तुम। और फिर आहिस्ता से पता लगता है नहीं नहीं हमारा पीस है, बड़ी होती गई, क्योंकि बच्चा अपनी शक्ल 6 महीने तक बदलता रहता है। जी जी बिल्कुल, वो अजीब ही लगता है, ये तो नानी पे गए हैं। अच्छा, कई ससुराल वाले खास तौर पे होते हैं, अगर बच्चा खूबसूरत हो रहा हो तो कहते हैं हमारे ऊपर है, और अगर जरा सी गड़बड़ न कुछ हो चला गया ननिया। हमारे चाचा थे, वो कहते थे मुझ पे गई है इसलिए तुम लोग। ओके जी, नेक्स्ट दिखाइए भाई, ये बच्चा कौन है, कितना शरारती बच्चा इस तरह है ना। हाँ, ये वाकई बड़ा शरारती है। अच्छा, अभी भी शरारती है। हाँ, उसके गानों में शरारत होती है। ओ, फरहान तो नहीं है? फरहान के गानों में शरारत होती है। उसके यहाँ तो वो नशा होता है गानों में। अली जफर, बिल्कुल सही, बिल्कुल समझी ना, देखो शरारत यहाँ पे है, अब वो गानों में शरारत डालते हैं। I'm a big fan of Ali Zafar. मतलब कि जो गाने होते हैं उसमें वाकई यही शरारत है, जो चेहरे पर शरारत। इतना कोई म्यूजिक में, इतना कोई एंटरटेनिंग म्यूजिक होता है। एक अली जफर, सजाद अली, और ऑब्वियसली नुसरत फतेह अली खान। ओके जी, नेक्स्ट दिखाइए भाई। अरे, ये तो पहचान, तुम तो फौरन पहचान गई होगी देखते ही, वो बाल ही पहचान है उसकी। एंजेलिन, मतलब एंजेलिन के अलावा भी किसी और के ऐसे बाल हैं? कर्ली है। ना 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 ना। ओ, ना ना। मैं हीरो के साथ आई थी पहले। मुझे नाम नहीं पता इनका, मैं लेकिन पहचान गई कौन है। हाँ, एनी। एनी एनी एनी। देखो ना, बाल ऐसे ना, तो वो यही है ना, एनी है ना, मैंने मेकअप में कुछ और ही लग रही है ना, डिफरेंट लग रही है। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। सुनो, इन दोनों में से किसको पहचानना है? ये तो मुझे तो बता दो। ये बच्चे बिल्कुल पहचान। अच्छा, ये दोनों जो है ना, ये बहनें हैं, और इसलिए दोनों बहनों का जो है ना, मैं थोड़ा एक हिंट दे रही हूँ तुम्हें कि इनमें से जो है दोनों ही बहनें शो बिजनेस में हैं, तो ये तुम गौर से देखो। मुश्किल है पहचानना वैसे, बाकी मैं भी नहीं पहचानी थी, अगर मुझे मेरी टीम ना बताती तो मैं भी ना पहचानती, लेकिन मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ इसलिए कि दोनों बहनें हैं। जवेरिया तो नहीं है? जवेरिया कौन सी वाली? बासी नहीं, उस नहीं। और किसकी बहन है? अब सबकी बहनों का तुम तुक्का मारोगे। और कम ही एक्ट्रेसेस हैं इनकी, बहन भी है। मतलब वो लोग ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये मैं बता दूँ। उमैमा? नहीं, उमैमा तो पुरानी है ना, जो जिनकी मैं ये बात करी, ये दोनों ज़्यादा पुरानी नहीं है। अच्छा, मुझे पता चल गया, तो मिल भी रही हैं यहाँ बड़े होके। अब पता नहीं, इनकी अम्मी लेबनीज थी, इनके अब्बू पाकिस्तानी थे, इनकी अम्मी लेबनीज थी। अच्छा, ओके, नाउ आई नो, दिस इज खान खान। हाँ, सारा खान। ओके गुड, सारा एंड नूर। नूर, गुड भाई, हिंट्स तो देनी पड़ेंगी ना जरा बहुत। मेरी एक ही तो गेस है, वो आ रही है। हाउ आई नो कि लेबनीज किसकी मदर है? आप देखें, रिसर्च होती है तो पता होता है। यस 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 जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए भाई। हाउ प्रिटी, दैट्स एनी, एनी जाफरी। इज इट ट्रू? यस, पहचान गई तुम भाई, जबरदस्त। शी लुक्स एग्जैक्टली, तुमने खाली एक आध गलत बताया है मेरे ख्याल से, है ना, बाकी तुम बिल्कुल जीत रही हो। जी, अब बताओ, ये तो माने हम, ये बताओ। ओफ अल्लाह, हेयर कट, क्यूट हेयर कट, बॉय है ना। हाँ, ये बड़े कॉन्शियस हैं अभी भी अपने लुक्स के। दानिश, अभी भी देखो, दानिश नहीं है,
अभी भी देखो जरा बड़े अच्छे कपड़े पहनाए हैं बस। यस, आप समझ गए। लुक कॉन्शियस बहुत कम लोग हम जानते हैं। हाँ ना, मतलब जो उनकी हीरोइन होती है वो इतनी कॉन्शियस नहीं होती। इमरान मुझसे भी, मतलब मेरे मियाँ के साथ काम कर रहे थे तो 3-4 कपड़े बदल बदल के, नदा बताएं ये इसके साथ ज्यादा अच्छा लगेगा इसके साथ, तो ये कॉन्शियस लेकिन हैंडसम है और शक्ल चेंज ही नहीं होती इमरान। हाँ, हैंडसम तरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। दिखाइए नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। कितनी ये तो वो है ना, मतलब आई थिंक ये वो है जो होस्ट भी, आई थिंक बिल्कुल सही जा रही है, बिल्कुल सही। क्या बात है यार, जबरदस्त फीचर्स मिल रहे हैं, है ना। वाओ, नेक्स्ट पिक्चर भाई, ये तो जीत रही है लड़की। ईदी मिलेगी इसके बाद, ईदी मिलनी चाहिए। लाओ जरा वो फूलों की नहीं पैसों वाले हार लेकर आओ। हाँ जी, ये देखिए, ये तो पहचान गई होगी कि लिप्स ऐसे ही हैं अभी भी। मैं तो पहचान गई, आई थिंक इतनी विजिबल नहीं है नाक वगैरह। इसकी लिप्स देखो तुम, खाली तुम लिप्स से पकड़ जाओ। माया, माया के लिप्स तो बहुत पतले पतले हैं। अच्छा, ये पतले नहीं है इनके। अच्छा नहीं, पूरे चेहरे पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट आंखें और लिप्स हैं। नोट करंट लॉट में से है या पुराने? करंट में से भी है, बहुत पुरानी भी नहीं है लेकिन बहुत नई भी नहीं है, काफी अरसा हो गया। मुश्किल है वैसे? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं। तुमने सबसे पहला नाम उसी का लिया था जब तुमने हमजा को ये कह दिया था कि वो है। हमजा की पिक्चर दिखाई तो तुमने कहा तुमने इस एक्ट्रेस का नाम लिया था। फिल्म में भी काम किया है और खास तौर पे इंडियन सिनेमा में जाके काम किया है। सबा, ड्रामे काम किए हैं? नहीं, सबा नहीं है। इंडियन? सबा की नाक बहुत खड़ी है, इनकी नाक खड़ी नहीं है। चलो एक आखिरी हिंट दे दूं, वो हिंट दे दी तो फिर ये बता देगी। रेशम? रेशम पुरानी है, वो इतनी पुरानी नहीं। अच्छा, इतनी पुरानी हाँ। नहीं है। और उन्होंने, अब मैं हिंट दे देती हूँ, शाहरुख खान के साथ सिर्फ एक वाहिद यही एक्ट्रेस है। जी हाँ, ओ माय गॉड, अच्छा बिल्कुल भी नहीं पहचाना। अरे भाई, मैंने कहा ना, मतलब मुझे नहीं बताया था मेरी टीम ने, मैं होठों से पहचान गई। नहीं लेकिन उसमें मायरा के अभी बड़ी ब्रॉड लिप्स हैं। हाँ, इसमें तो बचपन में थोड़ी होते हैं मोटे होने, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं। और क्या, नकुश चेंज होते हैं। हाँ भी और पिक्चर्स है हमारे पास। ओके, ओह माय गॉड, क्यूट है यार, कौन है ये? आई थिंक पहचान में आ रही थी, मुझे शायद नाम नहीं याद आ रहा होगा। बहुत क्यूट है ये, अभी भी क्यूट है। मैं इसको हसीन नहीं कहती, मैं इसको क्यूट कहती हूँ। इतनी प्यारी आवाज है इसकी, इतनी प्यारी आवाज है, जैसे देखो ना, वाकई इसकी, इसका हुस्न जो है वो क्यूटनेस है। मुझे असल में शक्ल याद आ जाती है लेकिन मैं ना नाम में बहुत बुरी, मुझे नाम बहुत अच्छे याद नहीं होते। लेकिन अच्छा, आई एम ग्लैड कि मुझे भी याद अब आ रहे हैं। हाँ, और क्या। चलिए नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए भाई, सही जा रही है हमारी गेस्ट, जीत रही है। ये तो फॉरन पहचान गई ना, वो तो सज्जल का बाप है। ओह माय गॉड, व्हाट अ क्यूट पिक्चर। ओह माय गॉड, हां देखो बिल्कुल वैसी शक्ल है। मुझे लुक देख के सना याद आती है बार बार, छोटी वाली अभी लोग की, सजल की शादी भी हो रही थी। हाँ। तो वो आगे आ गई थी, सुबूर में सना इतनी याद आ रही थी, मैं कॉल की, मैंने कहा मिस यू। अल्लाह, चले जी लास्ट पिक्चर। हाँ भाई, देखिए भाई ये कौन है, ये भी कोई बहुत शरारती सी है, बहुत शरारती है ये, वैसे भी शरारती है। बड़ी समझदार बच्ची लग रही है कोई। नहीं नहीं, बिल्कुल समझदार नहीं है। नहीं, मैं तो उसको कहती हूँ तुम क्या क्या करती रहती हो। अनुषा तो नहीं है? नहीं, इसको जानवरों से बहुत प्यार है, खासतौर पे कुत्तों से। हाँ, वो रो रही होती है कुत्तों को पूछो तो, काइंड हार्टेड उष्णा। तो जी ये जरा हम नंबर अगर बताएं तो मेरा ख्याल से एक मिस्टेक हुई है बस, बाकी ये तो जीत गई। हमेशा की तरह एक्टिविटी में ये कामयाब रही। फूलों का हार मिलेगा। हाँ ना, फूलों का हार मिलेगा। अच्छा, सबसे ज्यादा क्योंकि दूर तुमसे तुम्हारी बहन है सना, है ना, तो अगर कभी भी कोई डाउन होती हो या कुछ होती हो, सबसे ज्यादा याद कौन आता था? आई थिंक सना ही। सना याद आती है? लेकिन नहीं नहीं, आई थिंक अम्मी। अम्मी याद आती है? अम्मी बेशक साथ भी है लेकिन हाँ। फिर भी मुझे ये होता है कि अम्मी से मैं वैसे कहीं ट्रैवल पे गई भी हो या कुछ तो अम्मी सबसे ज्यादा तुम्हें याद आती है? ट्रैवल पे जी जी जी, है ना, अम्मी याद आती है। हाँ। और किस, जैसे अगर तुम पाकिस्तान से बाहर गई होती हो तो कौन सी ऐसे खाने की चीज है जिसकी तुम्हें बकायदा होड़क होती है कि ये जो पाकिस्तान से बाहर होती है? हाँ, कि मुझे ये खाने का एकदम दिल चाह रहा है, क्रेविंग। हलीम, आई लव हलीम।
तो चीजों के हवाले से तुम कैसी हो, रिस्पॉन्सिबल हो या कितने फोन गुमा चुकी हो, चार्जर्स गुमा चुकी हो, सोने की ज्वेलरी गुमा चुकी हो? बहुत जिम्मेदार हूँ, हर चीज़ संभाल के, जो मुझे जो चीज़ जहाँ होती है मुझे पता होता है वो कहाँ है। बिल्कुल ऐसी नहीं मैं वही हैरान कि ये तो कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ये कह दूँगी ना मेरे घर वाले मुझे जाके इतना मारेंगे, झूठ बोलती हो। मैं बहुत फ़ोन घुमाती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली वैसे मैं वैसे फ़ोन पर्सन इतना हूँ भी नहीं, लेकिन ये भी है कि मुझे याद बिल्कुल याद नहीं रहता है मेरी चीज़ें कहाँ हैं, तो इस वजह से मुझे ना एक बहुत जिम्मेदार हर वक्त असिस्टेंट की ज़रूरत होती है जो चीज़ों को देखे संभालते, वरना तो शूट्स पर इतनी महंगी महंगी चीज़ें मेरी गायब होती हैं कि बस। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं तुम्हारे काफ़ी क्लिप्स देख रही थी एक समी के साथ, तो कोई तुम पूरा राजस्थानी अटायर था या क्या था वो? समी के साथ है, मैं तुम्हारी देख रही थी, तुमने काजल आंखों में लगाया हुआ और राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे। वो तो एक आई थिंक BTS आपने कोई देखा होगा, वो एक सॉन्ग रिलीज होना है। अच्छा, हाँ, वो था, मैं इंतजार में हूँ कि वो ड्रामा कब आएगा। नहीं नहीं, वो एक सॉन्ग है, वो नबील कुरैशी ने डायरेक्ट किया है। अच्छा, और बहुत अच्छा सॉन्ग है वो। हाँ। सब्जेक्टिव है थोड़ा सा, अच्छा इंटेंस है। तो तुमने कहीं पाकिस्तान से मतलब कराची से बाहर जाके किया है वो? जी जी, आई थिंक हम बलूचिस्तान साइड पे गए थे। अच्छा अच्छा, वो बहुत अच्छी लग रही तुम उस कॉस्ट्यूम में, बहुत अच्छी लग रही। थैंक यू। ओके, अच्छा मैं अभी तुम्हारे थोड़े थोड़े क्लिप्स नहीं तस्वीरें वगैरह मैंने देखी हूँ उर्वा के, उर्वा भी मेरे साथ फेसबुक पे है, तो उस पर मैंने देखा टच बटन आपकी जो है, इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे, सिनेमा खुलेंगे, सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो टच बटन अभी तो ईद पर आने वाली थी, बिल्कुल, लेकिन हालात की वजह से आगे चली गई। आई थिंक अभी मुझे आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बड़ी ईद पे भी शायद फिल्म, जब हालात सही होंगे सिनेमा खुलेगा तो सबसे पहले वही तैयार है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मौला जट और ये वाली फिल्म अभी तैयार थी ईद पे आने के लिए, लेकिन अब ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि अगले 6 महीने तक भी कोई रिलीज ऐसी होने वाली है क्या है, बट इवेंचुअली लेट्स प्रे कि सब चीज़ें सेटल हो जाएं जल्द जल्द, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट है जो हमारे मुल्क में लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, घर से ईद पे निकल के घर पे ईद मूवी देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, दैट्स द ओनली एंटरटेनमेंट। ईद पे इतनी मूवीज हमेशा रिलीज होती थी, सब जमा करके रखते थे कि भाई रिलीज हमने ईद पे करनी है जी, और लोग खुशी खुशी जाते हैं कि भाई पाकिस्तानी सिनेमा की फिल्म लगी है, तो और तीन तीन दिन जाके अलग अलग मूवीज देख रहे होते, तो वो एक खुशी हो रही होती कि चलो ट्राई करो, तो आई होप कि सब सेटल डाउन हो और फिर दोबारा से। टच बटन के बारे में क्या कहोगी कि ये कैरेक्टर तुम्हारा कैसा है, क्या है, क्या एक्सपेक्ट करें हम? बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, मैं पंजाबी गर्ल का कैरेक्टर उसमें मैंने प्ले किया है, पंजाबी एक्सेंट भी रखा है थोड़ा बहुत ज्यादा, जैसे एक कहते हैं ना वो खलीस पंजाबी जो होती है, वैसे नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली वो पकड़े जाते हैं आप, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज इतनी स्वीट है और इतने वो इतने रवानी से बोल रहे होते हैं, तो वो आप चाहें भी तो नहीं उसको, वो फिर आपको पंजाब में या तो पैदा हुए हुए हो आप, भले आपको की वो आई थिंक नेचुरली एक लैंग्वेज है। तो ये कि फिर लेकिन कासिम जो है हमारे डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि वो अकलमंद है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बहुत फेक ना लगे, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज एक ऐसी है जो बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती है, एग्जैक्टली, तो पकड़ में आ जाएगी, तो उन्होंने कहा बस एक लय होती है ना पंजाब की, कि जैसे कि अम्मी मैं तेनू कह रही हैं इस तरह वाली, तो वो वाली, क्योंकि जैसे जैसे उर्वा ने एक फिल्म में पंजाबी लहजा दिया था, तो वो पंजाब की पली भी है, मतलब वहाँ पैदा हुई है। फरहान ने भी अगर उर्वा हेल्प करती थी मुझे काफी ज्यादा, इसने फरहान ने जो है पंजाबी लहजा रखा होगा क्योंकि वो है ही पंजाब का, तो है ना, तो वो तो थोड़ा सा हर वक्त ना मुझे एनर्जेटिक रहना पड़ता था, मैं हर वक्त ना एनर्जी ड्रिंक्स पी रही होती थी, क्योंकि साथ ईमान थी और उसके ईमान तो बहुत अच्छी पंजाबी बोलती है। हाँ, तो ईमान का भी एक ऑपोजिट कैरेक्टर है, तो ईमान भी पंजाबी बनी है, नॉट वो पंजाबी, तो इतनी प्रॉब्लम है, तो दोनों को बहुत ऑपोजिट प्ले करने को मिला है। तो दी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे गप्पे, बहुत सारी एक्टिविटीज खास तौर पे आपके लिए, सोनिया हमारे साथ रहेंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक, और सोनिया हुसैन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बहुत सारी बातें कर रही हूँ क्योंकि बड़े दिनों बाद मिली है, तो पुरानी नई आने वाली बातें ये सब कुछ करना मुझे बहुत ज़रूरी है, मगर कुछ कुछ जानने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि जैसे जैसे लड़की ग्रो करती है उसके दिमाग की जो आइडियोलॉजी है वो बदलती जाती है। पहले जब सोनिया से मैंने इंटरव्यू लिया होगा तो हो सकता है उसने कुछ और जवाब दिया हो, इसीलिए अब आज सोनिया एक मैच्योर गुफ्तगू करने लगी है अब, और दुनिया भी काफ़ी देख चुकी है तो उसका परसेप्शन चेंज हो गया होगा, तो इसलिए दोबारा से इंटरव्यू लेना बड़ा ज़रूरी है। ओके, अगर किसी भी आइलैंड में अकेली फंस जाओगी तुम तो क्या करोगी? मैं तुम्हें ऑप्शंस दूंगी, मदद का इंतज़ार करोगी, नंबर वन वही ज़िंदगी का नया आगाज़
या फिर मदद की तलाश करोगी? मदद की तलाश, मदद का इंतजार करो, इंतजार करोगी या मदद की तलाश करोगी या फिर जिंदगी का आगाज वहीं कर लोगी? इन तीनों में से क्या करूंगी? मदद की तलाश करूंगी। मदद के वहां के सफोकेट नहीं होना चाहती। एक आइलैंड तो मैं नहीं चाहिए, वो वाला सुकून बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल तुम्हें गहमा गहमी पसंद है? गहमा गहमी नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पसंद, मुझे बहुत शोर पसंद नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे ये जरूर पसंद है कि मैं जो मेरे करीबी लोग हैं ना, वो दोस्त हैं कोई भी। हाँ। है जैसे पाकिस्तान में हमारे होता है, क्योंकि यूजुअली जब आप जाते हैं ना यूएस वगैरह पे कभी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। हाँ। तो आप एक वक्त होता है आप कहते हैं नहीं यार अपने मुल्क वापस जाना है। तो आई थिंक आइलैंड में मां नहीं मरना चाहती। कोई समंदर पसंद है या नहीं? पसंद है फिर क्या करोगी? फिर आई थिंक सोचना पड़ेगा। हाँ। लेकिन ये फिर काम यहाँ पर है तो लड़का अच्छा है, खानदान अच्छा है, सब कुछ। और वो कहे तुम कोई बात नहीं कभी कभार आ जाए करना सादिया इमाम की तरह। सवाल, अगर कोई बहुत कीमती चीज चोरी हो जाए तो क्या करोगी? ऑप्शन, इस चीज पे बैठ के रोगी, इसकी इसको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दोगी, या कह दोगी कोई बात नहीं हाँ और मिल जाएगी? कहूंगी कोई बात नहीं और मिल जाएगी, क्योंकि खोती ही रहती है। कितना ढूंढूं? साफ कह दोगी और मिल जाएगी, कोई अल्लाह और देगा। ओके, अगर किसी से नाराजगी हो जाए तो क्या करोगी? ऑप्शन वन, खुद आगे बढ़कर उसे मनाओगी, या फिर इसकी माफ़ी मांगने का इंतज़ार करोगी, या फिर कहोगी छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, अच्छा है नेगेटिविटी दूर हुई। आगे अच्छा वैसे दोस्ती डिपेंड करता है कि कौन नाराज़ हुआ है। जैसे कि अगर कोई कैसे जैसे बहुत अब पता है कि नहीं यार ये है ही, मतलब इसका तो होना ज़िंदगी में ज़रूरी है। हाँ। तो खुद माफ़ी मांग लूँगी मैं। अच्छा। बहुत डिस्टेंस नहीं करूँगी। अच्छा। और अगर मुझे पता है कि नहीं नहीं सी गलती है और इसको एक्सक्यूज करना चाहिए तो मैं उसकी माफी का वेट करूंगी। अच्छा। और कोई ऐसे ही नाराज होगा तो कहेंगे छोड़ो भाई छोड़ो जी जाने दो। डिपेंड करता है पर्सनालिटी कौन सी है। ओके, अगर कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाए तो क्या करोगी? इस पे बैठ के अफसोस करोगी, ये सोचोगी कि यहाँ भाई मेरा नसीब नहीं था, या फिर कोशिश करोगी कि ये दोबारा मुझे मिल जाए? बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आते हैं मेरे पास और मैं कहती हूँ कि यार ये तो मुझे करना है हर हालत में, लेकिन somehow आप नहीं कर पाते। हाँ। कभी कुछ होता है, कभी कोई रीजंस होते हैं, फिर अफसोस तो होता है कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये नोटिस बहुत किया कि हमेशा जो प्रोजेक्ट में जो ऑफर हुआ है और मैं कहती हूँ ना ये मुझे नहीं मिला, उस तरह का हमेशा दूसरा कोई प्रोजेक्ट आता है और उससे बड़ा आता है। तो मुझे एक ना ये तो बहुत मेरा एक बिलीव हो गया है कि मेरी लाइफ में ना हर अच्छी चीज़ लिखी हुई है मगर थोड़े टाइम से तो तुम नसीब पे जाओगी। बिल्कुल, बहुत डेस्परेट नहीं हूँ अब मैं। हाँ। जैसे पहले शुरू में ठहराव आ गया जिंदगी में, है ना? ठहराव नहीं, चीजें समझ आ गई, अकल आ गई थोड़ी, साफ बोलो ना। ओके, बहुत टाइम बाद अगर मतलब बहुत शूटिंग्स कर रही हो, थक गई हो और बहुत टाइम बाद तुम्हें एक ऑफ मिले तो तुम क्या करोगी? पूरा दिन सो के गुजारोगी, कहीं बाहर घूमने निकल जाओगी, या फिर घर वालों के साथ बैठ के जो है टाइम स्पेंड करोगी? तो आधा सो के गुजारूंगी। आधा टाइम स्पेंड करूंगी घर वालों के साथ। अच्छा, अगर मौका मिले पूरा दिन सो सकती हो? नहीं, पूरा दिन नहीं सो। पूरा दिन नहीं, कितने घंटे की नींद तुम्हें चाहिए होती? मैं एटलीस्ट अगर बहुत ज़्यादा भी सोऊँ ना सुबह। हाँ। तो मुझे ये होता है कि मैं 12 बजे तो उठ जाऊँ, क्योंकि जब मैं डे लाइट नहीं देखती ना तो फिर एंजाइटी होने लग जाती है मुझे। डे लाइट देखना मेरा जरूरी होता है। तो अभी मतलब लाइक अभी रमजान, 9 बजे भी सोऊँ। रमजान जो गुजरा है तो तुम्हारा सोने का रूटीन क्या था? रमजान में शुरू में क्वारंटीन में इतना मेरा रूटीन चेंज हुआ है, शुरू में तो ये था मैं 7 बजे सोने लग गई थी, सुबह 5 बजे उठने लग गई थी। और अब क्योंकि शहरी की वजह से, क्योंकि अगर मैं रात को सो जाती हूँ शहरी में आंख शहरी कहाँ से आ गई, नहीं तो रमजान रमजान की बात है। आदत हो गई है ना बोलने की। दोबारा से कहती हूँ। अब लेकिन ये रमजान में सहरी में फिर आँख नहीं खुलती थी। हाँ। तो उस वक्त तक जागना पड़ता था, उसकी वजह से मैं 12 बजे आराम से उठती थी। और अच्छा, इस तरह से नींद पूरी करके। हाँ। अच्छा, तुम जैसे होता है ना कुछ लोग होते हैं कुंडी खड़कने की आवाज से भी जो है आँख खुल जाती, तुम्हारी नींद कैसी है? ऐसी ही है अभी मेरे घड़े घोड़े बेच के नहीं सोती। नहीं बिल्कुल भी नहीं, और हल्की सी भी कोई हो और आँख खुल जाए तो मुझे दोबारा कभी नींद नहीं आती। तो आजकल मेरे पास मेरे एक फ्रेंड है फारूक। हाँ। उन्होंने मुझे वो हस्की गिफ्ट किया है। अच्छा। तो वो न्यू एक फैमिली मेंबर है। हाँ। और उसको तो इतनी अटेंशन चाहिए, शी सच एन अटेंशन सीकर। आके तुम्हारे ऊपर चढ़ जाती होगी, वो तो उठा देती होगी हर वक्त। उसको होता है सो क्यों रही है, तो बिल्कुल नींद इतनी खराब करती। कमरा बंद है तो खोलती कैसे है वो? नहीं, वो तो रूम में उनको रहना पड़ता है ना,
इसी के अंदर बाहर तो रख नहीं सकते वरना बीमार हो जाते हैं। तो तुम्हें डिस्टर्ब करती, तुम्हें उलझन नहीं होती? होती है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मुझे कुछ करना पड़ेगा, कोई नींद ऐसी खराब हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली शूट्स पे जाएंगे तो फिर तो हो ही नहीं, प्रॉब्लम होगी ना। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। आधी रात को भूख लग जाए तो क्या करोगी? खुद उठ के पकाओगी, घर में से किसी को उठाओगी, या फिर कहोगी भूखी सो जाती हूँ कोई बात नहीं, कौन उठे कौन जाए किचन में? नहीं खुद उठ के पका लूंगी। हाँ वाकई? हाँ, नहीं नहीं, किसी को मैं तो सोती रहूंगी, मैं कहूंगी चलो यार कोई बात नहीं, पानी पी के भूख। नहीं नहीं, मैं हम सच्चा फूडी है, मुझे भूख लगती है ना, और फिर तो मुझे खाना चाहिए होता है। क्या खाती हो, शौक क्या है खाने का, किस तरह के खाने? जैसे कि कोई स्पेसिफिक कोई चीज खाने का शौक नहीं है। हाँ। आजकल क्वारंटीन में मैंने वेफर्स बहुत खाए हैं, वेफर्स मंगवा के रखे, उसकी वजह से वेट पुट ऑन हुआ है। लेकिन ये है कि थोड़े थोड़े अरसे के लिए कुछ कुछ चीजें फेवरेट होती हैं, बस वो एक चलती हैं, और उसके बाद पेपर्स तो कुछ भी होता है, मैं इतनी स्पेसिफिक नहीं हूं। पहले खाए जब लाइक कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने में, वो मिर्चों वाले चिप्स, आलू उसके ऊपर, मेरे मुंह में पानी आ गया आलू के ऊपर। एक बेकरी से एक चिप्स आते हैं, वो बेक्ड पोटैटोज होते हैं, वो उसको कहते हैं हैदराबादी चिप्स। वो केले की चिप्स तो नहीं तुम कह रही, जो कड़क होते हैं? नहीं नहीं, केले की चिप्स नहीं होते। अच्छा। वो तो बाहर से लिखा था, यहाँ तो मिलते भी नहीं, मिलते हैं, चिप्स मिलते हैं, मिलते हैं। हाँ। तो उसको हैदराबादी चिप्स कहते हैं। हाँ। वो तो इतने मैंने एक जमाने में खाए हैं मैट्रिक में कि मुझे स्टमक का प्रॉब्लम हो गया था। बहुत मिर्ची होती है उसमें, बहुत ज्यादा तो फिर इलाज करवाना पड़ा था मुझे। अरे बाप रे, वैसे उसका टोटका मुझे पता है, हम देते हैं अपने घर में, बनाते हैं जब भी किसी को प्रॉब्लम हो, लौकी का जूस निकाल लेते हैं, लौकी का जूस निकालें, छिलका उतार कर लौकी का जूस निकालें, और बस आप दो दिन पिए। By the way, लौकी के कबाब और लौकी का हलवा कितना मजे का बनता है, मैंने अभी डिस्कवर किया, मैंने बनाया इतना बनाया, बहुत मजे का बनता है। शादियों में होता था लौकी का हलवा, 5 मिनट्स 10 मिनट्स। हाँ, और लौकी का रायता भी बहुत अच्छा बनता है। हाँ, कद्दू का रायता होता है वो, लौकी का भी बनता है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। अब पैसे खत्म हो जाए तो क्या करोगी? सब्र से वक्त गुजारोगी, किसी से उधार मांग लोगी, या कहोगी कि बस जल्दी से मैं अपने जो चेक्स मिले नहीं है मैं उनको खटखटाऊं कि दे दो भाई पैसे, या फिर दोबारा कमाने की कोशिश करोगी? नहीं, जो मिले नहीं वो कटकटाऊंगी मेरे पैसे दे दो। वैसे मुझे चेक्स याद नहीं रहते काफी, सब सारे प्रोड्यूसर्स ये कहते हैं कि सोनिया आपके चेक रखे हैं आप ले लें प्लीज। हाँ। इस तरह से मैं कहती हूँ हाँ हाँ ले लेंगे, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना कि भाई कहीं मुझे देने 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए, तो फिर तो ऑब्वियसली देने की बात आती है, फिर मुझे होता है फिर मैं कहती हूँ अपने अकाउंटेंट को प्लीज टाइट करो। हाँ, कि भाई चेक लेकर आओ मेरा। नहीं तो कभी कभी जिंदगी में उधार लिया है, जैसे कोई बड़ी चीज देनी हो, गाड़ी घर ये वो? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आई थिंक अम्मी अब्बू से भी नहीं, अम्मी अब्बू से भी नहीं, कभी भी नहीं। हाय हाय हाय, इसका मतलब मैं अपनी चादर देख के पैर पहलाती हूँ। नहीं तो अक्सर सेलिब्रिटीज जो होते हैं, मतलब सुनने में आता है कि उन्होंने फलाना लोन लिया, फलाना लोन लिया। हाँ, तुम नहीं लोन ले सकते हैं अगर आपको घर पर बना, लेकिन मुझे ऐसे कभी इतनी जरूरत पड़ी नहीं। हाँ तो चलो, ये तो गुड है। ओके जी, छोटे बहन भाइयों से अगर गलती हो जाए तो क्या करोगी? प्यार से समझाओगी, अम्मी से शिकायत? अभी की बात नहीं मैं कर रही, पहले की बात करूँ, ये तो छोटे बहन भाई होगी। प्यार से समझाओगी, अम्मी से शिकायत करोगी, या फिर खुद सख्ती से हैंडल कर लोगी? खुद सख्ती से हैंडल करूँगी, अम्मी बहुत मासूम है। अच्छा, अम्मी को तो बिल्कुल चीखना नहीं आता, अम्मी कहती हैं अच्छा, अम्मी और स्पॉइल कर देंगी। तो अम्मी को कोई शिकायत लगानी होती तो वो तुम्हारा नाम लेती हैं? अभी मैं सोनिया को बता, अम्मी फौरन मुझे मैसेज करती हैं, सुन लो इस सोनिया ने ये किया है। अच्छा ठीक है। एक जमाने में होता था, तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी, अरब होता है आप सोनिया आ जाए जरा उसको बताऊंगी। अब्बू को अम्मी इसलिए नहीं बताते कि अब्बू ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं। अच्छा। अब्बू हद से ज्यादा करते हैं। ओहो। तो वो भी ठीक नहीं होता, अब्बू सख्त है, जैसे उनकी मुझे देख के मुझे लगता था वैसा। बहुत सख्त है। हाँ, मतलब जैसे शक्ल से लगते हैं वैसे भी असल में भी सख्त है। असल में भी ऐसे है। तुमने कभी मारे खाई अब्बा से? एक दफा। हाँ, मतलब चप्पल वप्पल, हम तो हमारे अब्बा क्या करते थे, हमें मारते नहीं थे, हमें जो है ना बिठा के बेल्ट बिस्तर पे मार रहे होते थे। हाँ। उसी से रोब आता था, हम कहते थे अच्छा अच्छा जा रहे हैं, हम छुट्टी नहीं करेंगे स्कूल। नहीं नहीं, अब्बू वैसे माशाल्लाह से जिस मामले में बहुत वो है कि वो कहते हैं नहीं बेटियों को ज्यादा। अच्छा। तरह से नहीं मारा, तो अम्मी ने हैंगरों से बहुत मारा। नहीं, हमारे अब्बा तो खाली डराते थे हमें ना जी, एक आंख दिखाई रेड रेड आंख दिखाई। फादर्स का रोब ही इतना होता है, एक सर्टेन एज पे जरूरत भी है यार रोब की, आजकल खत्म हो गई ये चीज। जैसे मैं बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि ये जो
वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता है कि हमारी जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं उनके तो बच्चों वो उस तरह वहाँ ये है कि बच्चों को फ़ोन नंबर्स दिए हुए कि माँ बाप या टीचर कुछ भी इस तरह आपको कहें कोई भी सख्ती करें तो आप फौरन कॉल करके हमें बुलाएं पुलिस को, वो फौरन पुलिस को कॉल। हमारे कुछ खानदान वाले ऐसे जिनके बच्चों ने कॉल कर दी और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बच्चों की ट्रेनिंग कब होगी, कौन करेगा तरबियत, ये पुलिस वाले पे पकड़ के ले जाएंगे कल को हीरोइन ची बन गया। माँ बाप मारते हैं बहुत अच्छा करते हैं। अब तो ये रिसर्च आई है कि जरूरी है बच्चों को सख्ती करना एक सर्टेन एज में माँ के लिए। आई थिंक एक हद तक कुछ माँ बाप को ज्यादा भी कर देते हैं। हाँ, एक हद तक होना चाहिए। बाथरूम में बंद ना करें अंधेरे में। हाँ। लेकिन आंखें माँ को रोब होना चाहिए। हाँ। रोब होना चाहिए माँ बाप। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हम यहाँ बहुत सारी बातें करने के बाद जरा थोड़ी सी गाने छाने सुनती हो? बिल्कुल बहुत। हाँ, पहचानती भी हो कौन से गाने कौन से क्या है? म्यूजिक से थोड़ा मुश्किल है पहचानना, लेकिन गाने बहुत सुनती हूं। चलो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, वीडियोस दिखा देती हूँ। हमारी एक्टिविटी ये है कि वीडियो चलेगी आपकी कोई और गाना उसके ऊपर होगा कोई और, आपने वीडियो पहचाननी है। ओके। ये कौन से गाने की है? बड़ी मुश्किल है ये गेम। आपका किसी से मुकाबला नहीं, आपका अपने आप से ही मुकाबला है। ठीक है। ओके जी, देखते हैं भाई। बिल्लो, क्या ये बिल्लो है? दिखाएं जरा। पंजाबन है ये, बिल्लो नहीं है। एक गलती हो गई, शुरू शुरू में गलती करती है मुझे पता है, उसके बाद फिर ये स्मूथली जीत जाती है। नेक्स्ट गाना प्लीज। आई थिंक दैट्स बिल्लो। हाँ, दिखाएं जरा। अभी तक बिल्लो है क्या? नहीं है। ओह, लेह से मैं पहचान सकती थी। ओ हां, ये तो कम ही गाने मैंने सुने। हां जी, नेक्स्ट गाना। सुनीता थी ना, सुनीता अली जफर। प्रीतो, ये तो बड़ा मशहूर हुआ था, पुराना गाना ये तो। हां भाई, वो तो उसने गलत बता दिया ना, आगे चले ना, आगे बढ़े, पूरा गाना लगाया है। गाने वीडियो वही लगाते हैं क्योंकि गाने मशहूर हो। अच्छा, अगर ये ना चल रहा था तो शायद मैं पहचान भी लेती। तुम इस वक्त कान बंद करके आंखों पे फोकस करो। अच्छा चलो, जरा एक मिनट पीछे की म्यूजिक बंद करो, अब ये इसको ऐसे ही दिखाओ, देखते हैं कि ये पकड़ पाती है कि नहीं। वो भी इतने पुराने जमाने का, मुझे तो धुंधला नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं पहचान सकती। मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली है ना ये? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पहचान सकती मैं कि क्या गाना है। चलो भाई, तीसरी गलती हो गई, दिखाएं भाई। ला भाई, नेक्स्ट दिखाओ। ये तो पहचान जाओगी किसी यार, किसी के कहने पे ना आना। ओके, दिखाएं जरा। मतलब या मुझे लगता है कि एक भी जवाब अब सही नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है। ये तो सजाद साहब तो बहुत नाराज होंगे मुझसे इस बात पे। ये तो पहचानना चाहिए। अच्छा, मैं समझ रही थी बेबी आए, बेबी ओ बेबी। मैंने ये तो कहा था किसी कहने में ना आना, बेबी आए बेबी। ये वही है ना? नहीं, ये वो है ना। अच्छा, बस भाई, बस। अच्छा, चीफ साहब का गाना था। ओके जी, नेक्स्ट। हाँ भाई, ये तो बहुत आसान है। सलोनी, दिखाएं। एक मिनट रुको, सही बोला है कि नहीं? दिखाएं जरा फिर। ये आई लव दिस सॉन्ग, मुझे लगा मेरे पे बनाई है। यार कितना प्यारा गाना था। ओ वैसे चिल्लाओ जरा, चिल्लाओ ही गाना। बड़ा प्यारा गाना, बहुत। और केक कितने खूबसूरत। ओहो, क्या मतलब, इस जमाने में जो गाने आए थे ना, पूरी एल्बम आई थी, कमाल एल्बम थी है, और कितने मशहूर हुए हैं गाने। बिल्कुल, पुराने गानों की तो बात ही। ओहो, कमाल। हाँ जी, दिखाएं। कौन सा गाना लगाया? सोचे सुहाए कर रही हो। और लग भी रहा है इसी पे झूठ हुआ है। um,
वाओ वाओ नहीं वैसे मुझे नहीं लगता एडिट अच्छा किया है वैसे बहुत अच्छा किया ये क्या नूरजहां है कौन है आई थिंक नूरजहां मोहम्मद अली है वाले गाने वाकई एवरग्रीन गाने हैं और चिट्ठी लेके आ रहा है सुनती है इस तरह के गाने बिल्कुल बहुत 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 मूड होता है तो सुनती हूं या क्या नहीं 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 मुझे म्यूजिक का हर जॉनर पसंद है जो पूछते हैं ना कि स्पेसिफिक आपका आप रॉक ज्यादा सुनती हैं पॉप सुनती हैं क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा सुनती हैं मैं सारे म्यूजिक बहुत सुनती हूं बहुत एक्सप्लोर करती हूं इवेंचुअली वीडियोस इतनी नहीं देखती लेकिन मुझे जैसे लिसनिंग का मुझे बहुत शौक है जैसे अभी अली सेठी जो एक नए हमारे सिंगर आए हैं कितना कमाल है और मुझे लगता है उन्होंने क्लासिकल सिंगिंग को रिवाइव किया दोबारा से खत्म हो गई थी और क्या बिल्कुल हां जी नेक्स्ट गाना लोग ही फेक हो गए हैं क्या करें जी नेक्स्ट गाना मुझे भी बता दो कोई वर्ड मुझे खुद नहीं पता हाँ अब लगा ही देते हैं भाई अब वर्ड भी नहीं पता मुझे अच्छा तुम्हें नहीं पता था ये तो काफी मशहूर सॉन्ग मुझे इनका कोई और सॉन्ग पता है ये वाला ओके ओके जी नेक्स्ट गाना ओके दिखाइए जी गाना शुक्र है दूसरा सही हो गया तीसरा सही है अरे चलो तीन पॉइंट्स ले लिए ओके गुड छन्नों की आंख में एक नशा है कितने मजे मजे के गाने ओफ बहुत अच्छे ओके जी नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज मलकू मलकू का गाना है मलकू तो बहुत मशहूर है सारे पंजाबी और ये सारे हाँ भाई काफी नहीं पंजाब के हैं मलकू और ये बड़े हमारे शादी वीक्स वगैरह में बहुत आए हैं उन्होंने बड़े गाने गाए हैं पंजाबी सॉन्ग इनके बड़े हिट होते थे पंजाबी जो बहुत अच्छा जो है ना वो यहाँ पर मैं उनको बहुत जोश बैंड जो है हाँ वो बड़ी अच्छी वो बेसिकली वो कनाडा में रहते थे ना वो तो यहाँ लेकिन मलकू जो यहीं पे होते थे और सारी शादियों में यही गाने लग रहे तुम शादी वादी में जाती हो जैसे और तुमने वो लुड्डियाँ और ये सब डाली है पहले बहुत मुलाकात कराएंगे सोनिया से मेरे पास बहुत सारा मवाद है भाई सवाल करने का लेकिन मैं अगले जो सेगमेंट में ना मैं आपको मौका दे रही हूँ कि आप सवाल करें मेरी सेलिब्रिटी गेस्ट से आपके सवाल होंगे और सोनिया के जवाब होंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ईद मुबारक प्यार वाली प्यार से गुजार के मिलो
वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। हमारे पास सांवली सलोनी अट्रैक्टिव सोनिया हुसैन यहाँ मौजूद हैं और मज़े की बातें चल रही है। मैंने कहा बहुत हो गई, बैठ बैठ के मैं थक गई, मैं ज़रा खड़ी हो जाती हूँ, गेस्ट मेरी बैठी रहे और मैं इनको नहीं उठाया मैंने, वरना मैं ईद के शो पे जो मैं रगड़ती हूँ ना, मैंने देखा मैं। वो कहते हैं हाँ थक गए हम लोग। आई रिमेम्बर वो जो बकरीद वाला शो था, वो जो खाल निकालने वाला था, उसके शुरू में हाथ काट लिया था, याद है आपको? हाँ ओए होए होए, लेकिन बहुत मजा आया था यार, हुमायूं वगैरह सब लगे हुए थे ना। हाँ अच्छा जी, तो यहाँ हम मैं तुमसे जो भी मैं व्हीलर घुमाऊंगी, जो भी नंबर आएगा मैं तुमसे सवाल करूंगी, तो वो उस सवाल के तुमने जो भी नंबर होगा ना उस हिसाब से जवाब देने। अब वो जब व्हीलर घुमाऊंगी तो ही तुम्हें समझ आएगा। ओके जी, रेडी गेट सेट। यस, तुमने स्टार्ट करना, तुमने स्टॉप करना। ओके नहीं, पहला व्हीलर घुमाते चलो, तुम स्टॉप कहोगी तो मैं रोकूंगी। स्टॉप कर दिया मैंने। अच्छा, लेकिन वो अब तुम्हारे कहने पर मैंने उसको जरा सा रोक दिया, वरना वो चलता ही रहता। तो ये पहला नंबर आया आपका 6। मेरा पहला सवाल ये है, पर्स में हर वक्त मौजूद रहने वाली चीज़ें, आपके पर्स में हर वक्त मौजूद 6 चीज़ें ऐसी बताइए जो रहती हैं हर वक्त मौजूद। 6 चीज़ें आई थिंक बहुत इजी है। एक तो आई डोंट नो क्या कहते हैं, स्टिक जो होती है, ड्यूडेंट स्टिक। अच्छा ओहो, ज़रूरी भाई, वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर परफ्यूम नहीं लगा अपने सकते लिए, कॉम के लिए बराबर नहीं अपने लिए। एक परफ्यूम, एक लिपस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, लाइनर, आई लव लाइनर्स, फोन बहुत ही जरूरी है, फोन भी जरूरी है, नहीं बहुत ज्यादा फोन भूल भी जाती हूँ मैं, वाकई बिल्कुल घर पे भूल के आती हूँ, बाद में कोई भिजवाता है। और छठी आखिरी चीज, व्हाट एल्स, पैसे नहीं लेके जाती पर्स में, क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल, मतलब कि वहां जाके तुम तो उधार मांगती नहीं हो, फिर कैसे निकलता है? कार्ड होना बहुत जरूरी है, कैश होना, कार्ड होना बहुत जरूरी। ओके ओके जी, नेक्स्ट सवाल के लिए स्टार्ट, और स्टॉप बोलना हो तो बताना। स्टॉप, रुक भी जा भाई, बड़ा ढीठ है, रुक ही नहीं रहा। 7, सेवन, ओके, सेवन इज माय लकीस्ट नंबर। अच्छा देखो, तुम्हें जो है प्यार से कोई एक्टर कुछ पुकारता होगा, अम्मी प्यार से कुछ पुकारती होंगी, बहनें प्यार से कुछ पुकारती होंगी, तो प्यार से पुकारने वाले 7 नाम तुम्हें बताने होंगे जो तुम्हें अलग अलग लोग बोलते सोनिया को, जो कुछ कभी कोई कुछ निक बना के बोलता होगा, कोई कुछ कोई कुछ। पहले तो एक बचपन में बहुत छोटी थी तो मानो कहते थे। अच्छा। मैं बताया था ना, आई इसका कलर चेंज था, हाँ। वजह से मानो कहते थे। उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई तो मोटी हुई तो सब हम्टी डम्टी कहते थे वो उसमें होता भी था कि अम्मी कहती थी तुम्हारा जो वेट इतना ज्यादा था, हाँ। कि जब मुझे मैं चलती थी ऐसे ऐसे करके तो मुझे लगता था मैं गिर जाऊंगी, तो मैं पेट पकड़ लेती थी ऐसा ना, मेरे पेट के वजन से मैं गिर जाऊँ तो मैं हम्टी डम्टी कहते थे। अब जो लोग हैं तो शोना का नाम जो बहुत, हाँ। मेरी करीब की दोस्त है, हाँ। अब बाकी इतना कोई प्यार का नाम और नहीं है, आई थिंक ये 3 नाम मिले, 4 रह गए, वही इतने गंदे नाम मिले, शोना, आई हेट शोना। ओके नेक्स्ट, स्टॉप भी बोल दो। ओह सॉरी स्टॉप, मैं क्या चला ही रखूंगी। ओके 5, बाथरूम में मौजूद, तुम्हारे बाथरूम में मौजूद 5 चीजें जो मस्ट होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें, 5 बता दो बस। आई थिंक शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, फेस वॉश जो एक्ने वाला होता है, कितनी हो गई? 4 हो गई, 4 हो गई। टॉवल बस सही है, ब्रश वगैरह, स्क्रब, हां टूथपेस्ट ब्रश ऑफ कोर्स, इतने अच्छे सफेद दांत तो आप तो ब्रश करती होगी 2-4 दफा। ओके नेक्स्ट, स्टॉप, 6, ओके। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहाने बनाते हैं भाई जिंदगी में, कभी सेट पे बहाने बनाते हैं, कभी स्कूल में बहाने बनाते हैं, कभी दोस्तों के आगे बहाने, 6 बहाने बता दें आपने जो जिंदगी में बनाए। रास्ते में हूँ एक पहला बहाना बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ, दूसरा बहाना नहीं, एक तो रास्ते में तो बहाना है, 10 मिनट में नहीं, एक ही हो गया, एक हुआ। दूसरा बहाना और कितने बहाने, स्कूल जाने की छुट्टी करने के कोई बहाने बनाए। सॉरी वो मैंने आपका मैसेज मिस कर दिया। दो 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 हो गए।
और क्या बहाने, बहाने तो बहुत बनाती हूँ। जैसे कि एक दफ़ा स्कूल जा रही थी तो स्कूल, वहाँ से मुझे याद आ गया कि मैंने आज पीटी शूज़ नहीं पहने हुए। हाँ। तो वो स्कूल शुरू का स्कूल था तो घर के करीब ही था। हाँ। तो मैं वापस घर आ गई ये बोल के कि वो स्कूल का गेट बंद हो गया था। और तीन बहाने हो गए बाकी। अल्लाह, कभी दांत करूँ अपने आप को। कभी दांत में दर्द का बहाना अम्मी अब्बू को बोला आज मेरे पेट में दर्द है, बहाना नहीं, नहीं ये वाला बहाना ये कभी नहीं। मेरे फेस पे नजर आ जाता है कि बहुत झूठ बोल रही है। वो वाले बहाने कर सकती हूँ जो जैसे सामने के ना हो ना, सामने मुझसे बहाने नहीं होते। अच्छा, फोन वोन पे कर सकती हूँ, फोन पे कर लेती हूँ, सामने नहीं होता। कोई कहे चलो भाई आओ, चलो आज चलते हैं, हम बहुत थकी हुई हो तुम, और चलते हैं, चलो चाय पीने चले, खाना खाने चले, तो क्या बहाने करोगी, नहीं जाना हो तो। नहीं नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कहती हूँ मेरा मूड नहीं है, साफ, नींद आ रही है। हाँ। अभी तक आपने सिर्फ तीन बहाने बताए हैं और आपके छह बहाने, ये हार जाओगी गेम। मैं कौन सा गिफ्ट दे रही हूँ। नहीं लेकिन क्या इसके अलावा क्या बहाने हो सकते हैं। मैं तो बहुत बहाने बनाती हूँ भाई। अच्छा, आई थिंक ये मेरे मोस्ट कॉमन बहाने हैं। इसके अलावा कोई भी बात होती है ना, मैं कह देती हूँ कि अच्छा नहीं नहीं ये मुझे नहीं करना, दिल नहीं चाह रहा। चलो नेक्स्ट। ओके स्टॉप। 7-6 नहीं भाई, इतना 7 पे नहीं ला रही, तुम्हारे जहन में इतनी चीजें ही नहीं होती। 4 पे कर ले, ठीक है। ओके अच्छा, वो बातें जिन पे गुस्सा आता है, कुछ चार बातें बता दो, जहर लगती है वो बातें तुम्हें, गुस्सा चीजों में गुस्सा आता है। चार बता दो। एक तो जब भी कोई मुझसे झूठ बोलता है। हाँ, मैं बोलती हूँ तुम सच बोल के कुछ भी करो ना, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन झूठ ना बोले, क्योंकि मैं बहुत बहुत जैसे उस तरह की स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड हूँ, मुझे, मैं बहुत लिबरल भी हूँ, मुझे किसी कोई गलती करता है तो इंसान होता है, लेकिन झूठ नहीं बोलो। ठीक है, दूसरी बात ये कि मैं किसी से कोई चीज़ शेयर करूँ दोस्त समझ के और वो किसी तीसरे को बता दे, बहुत गुस्सा आता है। पेट का हल्का हो कोई अगर तो फिर, और तीसरी के कोई मुझे वेट कराए, खुद चाहे मैं किसी को कितना ही वेट करा, दोस्तों को अपने घर पे बुलाने का और दावतें करने का, उस तरह से कहते हैं और फिर आते नहीं है। और चौथा रह गया बस। सवाल क्या था? सवाल वो बातें जिन से गुस्सा आता है, जब घर गंदा होता है, जब मास्क के बगैर बताए छुट्टी कर ले, बहुत गुस्सा आता है। बस चार हो गई, चार ही चाहिए थी। हाँ ओके, बहुत सारे गुस्से, गुस्से के बहुत है। ओके नेक्स्ट। मैंने खुद ही रोक वो चीजें, वो तीन चीजें जो सोनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है, फौरन खुश कर देती है अंदर से। हाय, अम्मी जब आके बैठती है कमरे में, वाकई बहुत अम्मी की फुल चमची हो तुम। हाय, मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी। एक तो हो गया जी अम्मी का तुम्हारे पास आके बैठना। हाँ, मुस्कुराहट लाती है। एक जब मुझे कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रिप्ट आए मेरे पास, अच्छा उफ, इतनी मुझे खुशी होती है, मुझे लगता है कि अल्लाह मेरी जिंदगी, मुझे लगता है कि बस सफल हो गई है। अच्छा, तीसरी मुस्कुराहट क्या लेकर आती है चीज, भाई मेरे चेहरे पे तो मुस्कुराहट तब आती है जब मुझे पता चलता है फालसे आ गए, फालसे ही मुस्कुराहट ले आती है। कोई ऐसी चीज़ है? आई थिंक कोई भी अच्छा खाना। अच्छा खाना, खाना खाने का तो बहुत शौक है मुझे। और जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, जैसे कि हलीम, अभी बोल दिया हलीम तुमने, से भी ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज खाऊंगी मैं भी घर जा। खाऊंगी मैं भी घर जा। तो जी ये हो गए हमारे व्हीलर्स। मैंने कहा सवाल जवाब जरा कुछ ऐसे करें जरा मुख्तलिफ अंदाज से हो, क्योंकि जब 1-to-1 इंटरव्यूज होता है, मैं एक जमाने में करती थी 1-to-1 इंटरव्यूज, तो उसमें मैं बहुत सारी ऐसी मजेदार एक्टिविटीज कराती थी जो फिजिकल होती थी। जी। आज मैंने कहा सोनिया को ज्यादा उठाऊंगी नहीं अब, और ये वाले जो सारे क्वेश्चंस है ये सारे इंस्टाग्राम पे लोग पूछ रहे होते हैं, अच्छा क्या करती है क्या करती है, तो वही ना मैंने कहा कि जो लोग सोनिया के बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो सारी चीजें हम मजे मजे से जो है पहुंचाएं। और मैं अभी ऑडियंस को भी मौका दूंगी कि वो भी, आप लोग भी कॉल करके सोनिया से अपनी मन पसंद सवाल सुने, लेकिन अब ज्यादा उंगली पकड़ के हाथ नहीं पकड़िएगा जरा, तो 20 वाले सवाल कर सकते हैं। अच्छा सोनिया, हर लड़की की एक मतलब कुछ एक स्टेजेस होते हैं, एक स्टेज आजकल की लड़की की अगर मैं पूछूं तो एक स्टेज ये होता है वो लड़की कुछ बनना चाहती है, पढ़कर वो अपने पैर पे खड़े होना चाहती है, फिर एक स्टेज आता है, एक सर्टन वक्त उसे होता है कि अच्छा जी अब मैं सेटल हो जाऊँ, शादी हो जाए मेरी, तो सोनिया जो है वो क्या सोचती है, उसकी थिंकिंग क्या है इस वक्त एट द मोमेंट? हाँ, आई थिंक एट द मोमेंट मैं लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, जिंदगी को एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ। जैसे कि अभी भाई क्वारंटीन में भी मैंने अभी जो रिसेंटली एवोल्यूशन ऑफ अर्थ मैंने एक सीरीज़ है वो देखी है,
मतलब कि कैसे ये सब चीज़ जो हम लोग सब हैं मौजूद, ये सारे जो कैमरामैन हैं, आप हैं, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ के चल रही है पूरी दुनिया, तो कैसे वजूद में आई और क्या है इसका मकसद क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो सब रिसर्च करी, सब रिसर्च जो साइंटिफिकली है ना, मतलब हम लोग कितना हर चीज़ पर खुश हो रहे हैं, रो रहे हैं, ये हो रहे हैं, मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है जो वजूद में लाई है, तो हम इस दुनिया में आए हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके आगे जो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होते हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो बहुत छोटे लगने लग जाते हैं, लगता है कि ज़िंदगी का जो मकसद है थोड़ा बड़ा है और हमें वो हमें तो पता ही नहीं होता. तो आई थिंक मैं वो अब एक्सप्लोर कर रही हूँ कि अभी तुम्हारा कोई मूड नहीं है. व्हाई एम आई अलाइव? शादी? शादी आई थिंक नहीं. अम्मी नहीं पीछे पड़ती? कर लो ना. बहुत ज़्यादा अम्माओं को भी होता ना, देखो ना, और ब्लैकमेलिंग ऐसे करती, हम नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा तुम्हारा, सारी अम्मा ऐसे करती. अम्मी से ज़्यादा अब्बू करते हैं. अब्बू बहुत ज़्यादा करते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं. लेकिन आई थिंक मैं शादी शायद ना करूँ. ऐसे नहीं कहते, अच्छी अच्छी बातें कहते सुबह सुबह, ऐसे नहीं कहते. ऐसा कोई फर्क बोलो, जब कोई अच्छा मिलेगा जो मेरी कदर करेगा, जो मुझे पलखों पर बिठाएगा और जो मेरी चीज़ें समझेगा, तब करूँगी. ऐसे नहीं कहते कि शादी नहीं करो. अच्छा, पता नहीं वैसे. और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कोई ना कोई तो जोड़ बनाया होगा, जब ऊपर होंगे अल्लाह ताला ने ऊपर से सोच के कुछ आपके लिए कोई ना कोई जोड़ भेजा होगा, आपको भी नहीं पता होगा. और एक दिन आप कहेंगी यही बैठी मैं, यही तुम्हें इंटरव्यू दिखाऊंगी. अच्छा, मैं शादी में मैं ये क्लिप लेके आऊंगी कि कहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी. आपके पास सारे स्टेजेस के इंटरव्यूज हैं. बिल्कुल. ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं शादी नहीं करूँगी? क्योंकि मुझे यूजलेस लगता है बहुत शादी करना. नहीं, कभी कभार बंदे के करीब के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जैसे लोग क्यों शादी करते हैं, आई थिंक लेजर के लिए करते हैं या कंपेनियनशिप के लिए करते हैं या इसलिए करते हैं कि कोई हमें बहुत ज्यादा पैम्पर करे. नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें लोग शादी क्यों करते हैं. लोग शादी इसलिए करते हैं कि वो फैमिली आगे लेके चलते हैं, क्योंकि वो जो वो खुशी जैसे तुम्हारी अम्मी को देख के तुम्हें मिलती है, फिर वो खुशी तुम्हें मिलेगी तुम्हारे बच्चे को देख कर. पसंद है बच्चे? बहुत ज्यादा. पालूंगी जिंदगी. बहन के हैं अभी तो नहीं है? अभी नहीं, पर इंशाल्लाह जल्दी. इंशाल्लाह. सो ग्लैड, आई थिंक हमारी फैमिली का पहला बच्चा होगा. ओए ओए ओए. अच्छा, तुम जब जाती हो सना के पास तो पाकिस्तान से क्या क्या लेके जाती हो? पाकिस्तान से इतनी चीज़ें लेके नहीं जाती. हाँ, क्योंकि बाहर ऑब्वियसली हर चीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन उसके लिए उसको जो यहाँ के ट्रेडिशनल कुर्ते वगैरह होते हैं ना, वो बहुत मिस करती है. वहाँ पे वहाँ इतने अच्छे नहीं मिलते. तुम यहाँ से कुर्ते लेके जाती हो? हाँ, कपड़े, उसको कपड़े बहुत चाहिए होते हैं, ज्वेलरी, एथनिक ज्वेलरी जो होती है हमारी, और कपड़े उसको हर वक्त चाहिए. वो मुझे मेरी पिक्चर होती है उसको क्रॉप कर करके उसको ना सर्कल बना बना, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. तो नेक्स्ट विजिट में मेरे उसकी चीज़ें ज़्यादा हैवी हैवी होती, साड़ी. मैंने देखा है कि तुम्हारी अम्मी से ज़्यादा तुम मिलने जाती हो उससे. बहुत ज्यादा है ना? तो चलो अच्छा है एक वो वाली चीज़. वैसे भी आई लाइक यूएस, मुझे वहाँ पे अच्छा लगता है बहुत माहौल, तो वो इसलिए भी मैं. अच्छा, जैसे तुम अभी मुझे बता रही थी कि क्वारंटीन में तुम रिसर्च कर रही हो, हर कोई कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो सोनिया जो है उसने अपने अंदर चेंज क्या पाया, अपने आप को वही वाली बात है जानने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो इस क्वारंटीन में तुमने, इस लॉकडाउन में और जो कोविड-19 चल रहा है उसमें तुमने अपने अंदर क्या चेंज पाया? आई थिंक पेशेंस काफ़ी आई है मेरे अंदर, और मुझे जैसे रियलाइजेशन बहुत हुई है चीज़ों की, कि जो भी चीज़ है वो ख़त्म होने वाली है, तो इतना किसी चीज़ के लिए इतना वो कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा पागल हो रहे होते हैं ना चीज़ों के लिए, हाँ ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, या इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कोई खुशी की भी होती है, लोग खुशी से ही पागल हो जाते हैं, तो पागल होने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ टेम्प्ररी. तो ये आई थिंक ये मैंने डिस्कवर किया है इसके अंदर, खुदा को डिस्कवर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं आजकल, के क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम तक पहुँचाई जाती हैं, किस किस तरह से उसमें कमिटमेंट्स की जाती हैं, और इतना हमारे लिए मज़हब कितना मुश्किल बना दिया है कि लोगों को, लोग अडॉप्ट करने से पहले सोचते हैं कि पता नहीं यार करें ना करें, उस तरह की चीज़ें, तो वो और कितना लॉजिकल मज़हब है हमारा, तो इतना ईजी है, इतना आसान है, आपको सिर्फ कनेक्शन बना, हर चीज़ की लॉजिक है, बिल्कुल आप वो कनेक्शन बनाए, आप खुद ही नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे जाके. अच्छा, कौन सी चीज़ है जो तुम्हारा दिल दुखाती है? दिल दुखाती है. हाँ, तुम्हारा दिल दुखता है किसी चीज़ से? देखो हर एज में अलग अलग दिल दुखता है. एक छोटा एज होती है जब बहन को ज़्यादा प्यार करी होती है, अम्मा मुझे कम प्यार, मुझे क्या आप कचरे से उठाया है, उस वक्त दिल दुखाती है. ये टीचर जो है वो आपके नंबर कम आ गए, उस वक्त आपका दिल दुखता है. तो हर लाइफ के हर स्टेज में आपका दिल अलग अलग बातों से दुखता है. अभी सोनिया को कौन सी चीज़ दुखाती है दिल? दिल इतना दुखता नहीं है मेरा, खुश रहती हूँ. मुझे, मैंने तो तुम्हारे इंटरव्यूज देखे, आंखों में चट 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 आंसू तो आ जाते हैं. पहले नहीं थी तुम ऐसी, अब हो गई हूँ.
पता नहीं, अब मैं सेंसिटिव हो गई हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा ना जैसे ऐसा नहीं कि चीज को लेके चली जा रही हूँ, मैं उस पर ना वो कहते हैं ना ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ चीजों में, तो दिल बहुत दुखता नहीं है, लेकिन जैसे कोई बीमार हो जाता है घर में उस तरह की वो चीज, तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेस्ड आउट में बहुत होती है, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है, झाड़ू भी सीसन दिलती है उस पर स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ, बेडशीट चेंज होती है उस पर भी मुझे स्ट्रेस हो जाता है, तो स्ट्रेस आउट तो बहुत होती हूँ, लेकिन दिल दुखने वाली चीज़ें आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सोचती हूँ पुरानी, तो कभी कभी दिल दुखता है लेकिन मैं भूल जाती हूँ, लेकिन भूल जाती, पक्की बात है पिछली चीज़ों से निकल पाई हो, बहुत मुश्किल था लेकिन आई हैड टू, जरूरी है आगे बढ़ने, जरूरी है लाइफ, हम दुखी दुखी बातें नहीं करते भाई सोनिया से, अच्छी हंसती हंसती है, मैं हंसती हंसती ईद है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद सोनिया हुसैन, ईद मुबारक, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सोनिया हुसैन आज हमारे साथ आपके लिए ईद का तोहफा, और यहाँ हमने बहुत सारी बातें की ना, मेरा दिल नहीं भरा लेकिन अभी भी, मेरा भी, मगर मुझे ऑडियंस को भी मौका देना है ना, अब जाहिर है यहाँ तो ऑडियंस नहीं लेकिन मेरे जो लोग हैं जो तुम्हें देखते हैं, मैं चाह रही हूँ अब उनको मौका दूँ कि वो तुमसे क्वेश्चन करें, इससे पहले कि तुम चली जाओ उनकी भी ज़रा जो दिल की ख्वाहिश है वो पूरी हो, तो हम पहली कॉल ले रहे हैं जी, हमारे साथ कौन है, अस्सलाम वालेकुम, सना कराची से, अस्सलाम वालेकुम सना, वालेकुम सलाम, मिलावा जी कैसी हैं, ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक, सोनिया हुसैन हमारे साथ, आप देख रही हैं शो, जी जी मुझे सोनिया हुसैन बहुत पसंद है, मैंने इनको इंस्टा पे भी फॉलो किया हुआ है और मैं इनके हर ड्रामे और इंस्टा वगैरह में बहुत फॉलो करती हूँ, थैंक यू, क्या इनको इनके कपड़े वगैरह जो इनका स्टाइल सेंस है वो कैसा लगता है आपको, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ इनकी तरह ड्रेसअप होने की, देखो लड़कियाँ सीखती है तुमसे, अच्छा मैं सोनिया से एक सवाल करना चाहती हूँ, बोलो, मैंने सोनिया के इंस्टा पे एक वीडियो देखी थी, इन्होंने एक बाउल में दही और फ्रूट्स का एक अपनी डाइट बनाई थी, डाइट प्लान बनाया था, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, वो बहुत जबरदस्त डाइट प्लान था, क्या ये रूटीन में भी ये यूज करती है या कभी कभार ये यूज करती है, ठीक है अभी आप सोनिया देखो मैं पूछती हूँ, हाँ सोनिया वो बड़ी जबरदस्त, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी कि तुमने एक बोल था उसमें दही थी शायद, जी जी दही थी, और उसके बाद तुम केले कुछ और अलग अलग चीजें हैं, फ्रूट्स और डेट्स थी और उसमें वो भी थी, ड्राई फ्रूट्स भी थे, डिटॉक्स वाटर, ड्राई फ्रूट्स भी थे शायद, नहीं ड्राई फ्रूट्स मैं नहीं यूज कर सकती क्योंकि मुझे एलर्जी है, लेकिन वो बिल्कुल ये मेरा रूटीन है, जैसे कि आई थिंक ये पहला रमज़ान है जिसमें मैंने 3 दिन लगातार समोसे खाए हैं, नहीं तो मेरी बिल्कुल भी मेरी उसमें डाइट में फ्राइड चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, वो एक तो वैसे ही मैं डाइट कॉन्शियस भी थोड़ी हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, लेकिन उसके अलावा भी ना क्योंकि इतने लंबे अरसे के लिए इन चीज़ों से दूर रही हूँ कि ये पराठे वराठे और राइस वगैरह, वेट बढ़ जाते हैं तुम्हारा क्या, पराठे बढ़ भी जाते हैं, उसके अलावा अब मेरा स्टमक भी इजाज़त नहीं देती क्योंकि इतनी आदत हो गई उसे हल्की चीज़ें खाने की, डाइट बहुत करनी पड़ती है तुम्हें क्या, तुम्हारी टेंडेंसी है मोटापे, हाँ मेरी टेंडेंसी है, मैं मोटी हो जाती, तो वो शेप आउट हो जाता है असल में, तो वो टोनिंग नहीं अच्छी लगती, हाँ, तो इसलिए तुम जो है तुमने वो मतलब पूरे रमजान वही खाई तुमने या नॉर्मली भी तुम वैसे नहीं, इस रमजान में मैंने थोड़ा सा इधर उधर भी जैसे शीरमाल भी खा लिया है लेकिन ये कि अब मुझे क्योंकि अब ईद आ गई, अब ऑब्वियसली थोड़े दिन बाद काम भी शुरू हो जाएगा तो दोबारा से स्ट्रिक्ट डाइट पे आना पड़ेगा, लेकिन ये कभी बाकी किसी रमजान में भी मैंने कभी भी नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हैं, अच्छा तो हमेशा, लेकिन ये नहीं कि स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब ये नहीं कुछ भी नहीं खाती, सारी हेल्दी चीजें, फ्रूट्स मेरी डाइट में जरूर होता है, हेल्दी डेयरी जो चीजें होती हैं वो जरूर होती हैं, उससे बेशक वो जो नेचुरल शुगर होती है वो आपकी बॉडी के लिए, अच्छा हम दिखा भी देते, हमारे पास वीडियो भी है सोनिया के, अगर जिस किसी ने नहीं देखी तो हम दिखा भी देते कि सोनिया की एक्चुअली आजकल डाइट क्या है, वो क्या खाती है, दिखाएं जरा, आज शेयर करूं रेसिपी जो हम आज इफ्तार करेंगे, अच्छा इसको हम बहुत सिंपल रख रहे हैं, एक तो ये कि लॉकडाउन है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं होती, ऑब्वियसली फ्रूट्स ऑरेंजेस ये वो चीजें जो आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, येट इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये कि फास्टिंग के बाद बहुत जरूरी है कि न्यूट्रिशन बॉडी को मिलना, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं होती हैं, तो हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए,
सिंपल रखना चाहिए चीजों को, वैसे भी लाइफ में सिंपल रखना चाहिए, क्योंकि जंक फूड जो है वो हमारे लिए वैसे भी हेल्दी नहीं होता, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता, और दूसरा कंज्यूम नहीं होती वो चीजें, क्योंकि आजकल हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम घर में बैठे होते हैं, कुछ करने को नहीं होता, तो जितनी आप फालतू चीजें खाएंगे, जितने समोसे पकौड़े खाएंगे, तो वो बॉडी पे गलत इफेक्ट करेगा, वो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल डेज में भी नहीं खाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह की चीजें अवेलेबल ही नहीं है आजकल। तो ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, दो फ्रूट्स हो गए हैं, एंड योगर्ट इज रेडी। अच्छा, मैं क्योंकि फ्लेवर्ड योगर्ट यूज नहीं करती हूँ, तो आई प्रेफर के जो सादा योगर्ट आता है, जो यूजुअली डेयरी शॉप से मिलता है, वो मैं यूज करती हूँ, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा फ्लेवर अगर ऐड करना है, आपको बहुत खट्टा लग रहा है, तो थोड़ा सा हम ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, या नॉर्मल शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं। जी, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, हिरा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम सलाम निदा भाजी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे सोनिया बहुत पसंद है और ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। उसका एक खास रीजन ये है कि ये जितनी भी ड्रामे करती है उसमें ये औरत को बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग दिखाती है। ये तो है। मैं इसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये रियल लाइफ में भी इतनी ही स्ट्रांग और पॉजिटिव है? हाँ भाई, सवाल ये है कि आप क्या रियल लाइफ में भी इतनी स्ट्रांग और पॉजिटिव हैं, जो मतलब लाइक औरतों के हुकूक, हमारे हुकूक पूरे करो? आई थिंक स्ट्रांग और पॉजिटिव दो अलग चीज़ें। स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी नहीं भी हो पाता, ऑब्वियसली इंसान है तो वो होता है कि आप वीक भी पड़ जाते हैं बहुत दफ़ा, लेकिन ये कि औरतों के लिए तो मुझे बचपन से मुझे बहुत बुरा लगता है ये जो ख़वातीन पे इतना ज़्यादा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें उनको बताया जाए कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, तुम्हें कैसे कपड़े पहनना है, तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें किससे बात करनी है नहीं करनी, घर में बैठना है या काम करना है, ये वाली जो चीज़ें हैं ना मुझे बचपन से बहुत बुरी लगती थी। अच्छा, तो अब आई थिंक बड़े होकर एक तरह से ब्लेसिंग है कि आप एक्टर बने, तो एक चीज़ है कि आप अपनी एक्टिंग के थ्रू मैसेज पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होती, ये ऐसा मीडियम है, तो क्यों ना हम वो बात करें जो हम करना चाहते हैं। तो मुझे ये होता है कि हम मैं दिखाना चाहूँ कि सारी ख्वातीन जो रोती रहती है ना हर वक्त, बाय द वे जो भी इंटरव्यू भी मैं थोड़े दिन पहले देख रही थी, कुछ ख्वातीन कह रही थी कि भाई ऐसा हो गया हमारे साथ, ऐसा हो गया, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे जो रमजान में हमारा था। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हाँ होती हैं चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब होती हैं, इट्स ओके, ठीक है, एक हद तक आप ट्रॉमा में रह सकते हैं, उसके बाद यू नो यू हैव टू टेक अ स्टैंड, अपने लिए खड़े हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई शौहर ही मिले या कोई आदमी ही मिले या आप ही आपकी सरपरस्ती करें तो ही आप बच्चों को पालेंगी। बिल्कुल, क्योंकि हमने ना अक्सर हमारे शो पर शादियाँ हो रही होती थी, हमारे शो पर एक तलाक भी हुई है पता है, और मैं कभी भी इस चीज़ के हक में नहीं होती, लेकिन वो आदमी जो था वो मियाँ बीवी को वो कुछ साइको था, वो बीवी को बांध के बेल्ट से What? उसकी कोई बेल्ट थी जिससे वो मारा करता था, और उसकी ये आदत बन गई थी, तो बीवी बस बर्दाश्त करते करते, पढ़ी लिखी मास्टर्स थी वो, बर्दाश्त करते करते आखिरकार वो चली गई सारे बड़ी वेलफेयर ट्रस्ट, फिर उस तरह होते होते वो हमारे पास आई, और ऑन स्क्रीन वो जब आया कि मेरी दोस्ती करा दो, ये मैं चेंज हो गया हूँ, ये हो गया वो हो गया, एक दफ़ा तो हमने दोस्ती करा दी सोनिया, उसके बाद अच्छा, वो फिर दोबारा से फिर दोबारा से जाके उसने वही हरकत अपनी बीवी के साथ की है, और फिर यहाँ पे बाकायदा वो लिख कर गया है, उसको बुलाया यहाँ पे कि तुम जो कर रहे हो तुम्हारे लिए FIR कटवा देगी, तो तुम यहाँ साइन करो, उसने डिवोर्स किया उसको। ये इतनी अच्छी बात है आप शोज के जरिए प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी बच्चों को मैं इस नारे के सख्त खिलाफ हूँ जो माएँ बचपन से बिठाती हैं ना कि जहाँ शादी करके जाओ मार नहीं वहीं मर जाओ, चाहे तुम्हें कितना मार रहा हो तुम मर जाओ बस वहाँ पे, उस बिचारे के नील पड़े होते थे जिस्म पे, तो उसके बाद जो है आज वो बंदी उसके डिवोर्स के बाद आज वो बंदी लॉयर है, वो इतनी जबरदस्त मतलब वो आगे बढ़ी है, और वो सारे भाई बताते हैं निदा उसको देखो तो सही, वो कितनी बोलने में इतनी अच्छी कल्चर्ड वो लड़की थी, और वो बेल्टें का रही थी। कहने के मकसद ये ख्वातीन में इतना कुछ है अंदर, आप शोहरों का काम है उसको निकालें, उसको और एक्सप्लोर करें, बोले भाई जो तुम करना चाहते हो ये भी मैं सपोर्ट बनता हूँ तुम्हारा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे पीछे खड़े कर सकती हूँ, घर भी साथ साथ संभाल सकती हैं, बिल्कुल, ये मिसकंसेप्शन है कि बाहर जाएंगी तो घर छोड़ देंगी, गलत है। ज़्यादा अच्छी, मैं तुमसे दो चीज़ें पूछूंगी उसमें से तुम मुझे बताओगी, ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है, बिरयानी या कोरमा? बिरयानी, शीर कोरमा के शीर माल के साथ कोरमा नहीं खाती ज़्यादा अच्छी बिरयानी लगती है, ज़्यादा अच्छी ड्राई होती है, कौन सी वाली, चिकन की या बीफ की? दोनों अच्छी लगती, दोनों अच्छी। अच्छा, ट्रैवलिंग
ट्रैवलिंग या सुकून से किसी जगह पर बैठकर खाना खाना, क्या चीज़ आता है? क्योंकि ट्रैवलिंग में भागदौड़ बहुत होती है ना। ट्रैवलिंग मुझे भी मुझे इश्क है ट्रैवलिंग। आई हैव सीन योर पिक्चर। मैं कोई जेवर नहीं बनाती, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं जेवर भरूँ या कुछ करूँ इस तरह। मैं कहती हूँ कि बस दुनिया देखो, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत दुनिया। चेंज आता है आप जब दूसरे कल्चर देखते हैं, लोगों को देखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस देखते हैं, बहुत चेंज है। आपके अंदर पेशेंस भी आता है आई थिंक। हमारे, अगर मुझे लगता है हमारे मुल्क में भी अगर टूरिज्म ज्यादा बढ़े ना तो लोगों का एटीट्यूड बहुत चेंज है। यार बहुत खूबसूरत जगह है हमारे मुल्क में। नहीं, उसके अलावा लोगों का एटीट्यूड चेंज है जब दूसरे कल्चर के लोग आते हैं ना, तो आप खुद बहुत तमीज से बात करने लगते हैं, भाई हमारे मुल्क में आए हैं, तो आई थिंक बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो। ओके, मूवीज या ड्रामा? आई थिंक बोथ। दोनों का अपना चार्म, दोनों का अपना चार्म। ड्रामे का ये कि ड्रामे का कंटेंट हमारा इतना अच्छा है पाकिस्तान का कि मुझे लगता है कि किसी और मीडियम का इतना नहीं है। इनफैक्ट हमारे जो ड्रामे डब होके चलते हैं बाहर अरबिक में और इस तरह से, तो वो बहुत पसंद किए जाते हैं और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं। मैंने नोट किया, फिल्म कर रहे होते तो ड्रामे करना छोड़ देते हैं। गलत है, हमारा ड्रामा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब वैसे भी फिल्मों में मुझे लगता है कि अभी उस तरह का कॉन्टेक्ट एक्सप्लोर हुआ नहीं है हमारे यहाँ। अभी हम सिर्फ फिल्म बनाना सीख रहे हैं, तो अभी सीख रहे हैं, तो वो सीखने वाले में ठीक है आप वो भी करें, लेकिन जिस चीज़ में मैच्योर है वो आप कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा, अच्छी बहन हो या अच्छी बेटी हो, ज़्यादा अच्छी क्या हो? बेटी। हाँ, सख्त बहन हो, बहुत बुरी बहन हो। एक्सप्रेस कर देना या खामोश रहना? एक्सप्रेस कर देना, खामोश नहीं रहती। रोना आता तो रो लेती हूँ या रोक लेती हूँ? रोना आता तो रो लेती हूँ, गुस्सा आता है तो डांट देती हूँ। हाँ, सारी चीज़ें। हंस खुशी हो रही होती है तो डांस भी कर देती हूँ। बहुत एक्सप्रेस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, रेड लिपस्टिक या न्यूड लिपस्टिक? रेड। हाँ, तो मैं होंठ भी जो है वो मतलब फुल लिप्स। नबीला कहती है ना कि मुझे इसकी बहुत लिप्स जो है बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे शो पे आई थी ना, कहा था नबीला ने किसी मेरे तुम्हारे लिए कहा था। Really? अच्छा। सोनिया के जो लिप्स बहुत अच्छे हैं। जाके पफी करती हूं। ओके, बचपन या जवानी, क्या चीज बेस्ट लगती है तुम्हें अपनी? जवानी। जवानी। और शादी मोहब्बत की या अरेंज? अगर तुम कभी, तुम्हारा दिमाग बन गया कि अच्छा अम्मी अब्बू के प्रेशर में आके कुछ हो गया कि उनको खुश करने के लिए, तो शादी करोगी तो मोहब्बत की करोगी या अरेंज करोगी? आई थिंक मोहब्बत की, अरेंज दोनों नहीं करूंगी। तो कौन सी करोगी, तीसरी कौन सी होती है? मुझे क्या, मुझे तो पता ही नहीं है। आई थिंक मैं अंडरस्टैंडिंग के बेस पे करूँगी। अच्छा, कि चीज़ें जो मुझे चाहिए वो सारी हों। उनको जो चीज़ें चाहिए वो मेरे में हों। तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं करूँगी। अब नहीं करूँगी भाई, अब नहीं करना, बहुत हो गया। हाँ, जो मिले, जो मिल जाए खा लेना, या थोड़ा नखरे करना, नहीं मुझे नहीं खाना भाई, आलू गोश्त नहीं खाना मुझे। नहीं, जो मिल जाए खा लेना। नखरे करने वाला मेरा भाई बहुत है हमारे लिए, वो है ना। किसी भी सब्जी बनती है तो वो खाता नहीं है। और अगर किसी डिश में सब्जी होती है तो यूं उठा उठा के ना साइड पे रखता है। मैं सब खा लेती हूँ, सब खा लेती हूँ। थाई फूड, जापानीज, कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तानी फूड, सब चीजें। आई एम अ फूड लवर। वाह, जबरदस्त। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी, अली हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम अली, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह निजाज, आपके गेस्ट तो बहुत अच्छा है। सोनिया हुसैन, मैंने सोशल मीडिया पे काफी फॉलो करता रहता हूँ। अच्छा, वाओ, और इनकी सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो भी देखी थी, इन्होंने हैंड वॉश करते हुए एक वीडियो अपनी अपलोड की थी। बहुत अच्छा, क्वारंटाइन में लोग सोशल मीडिया तो कुछ सीखा आपने? ऐसे ही हाथ धोते थे आप? जी नहीं, अब इनको देख देख के सीख रहा हूँ। और मुझे इनसे ये पूछना था कि और किस तरह एसओपीस को क्या क्या ऐसा कर रही है कि इस क्वारंटीन के टाइम पे किस क्या क्या एसओपीस फॉलो कर रही हैं। हाँ ठीक है, ये तो बड़ा, ये आइडिया अच्छा है। एसओपीस फॉलो कर रही हैं, मैंने तो ये टर्म पता है, है ना। पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने हाथ धोना सोनिया हुसैन से सीखा है, सही है भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी जी। ऑन एयर देखिए आप, ये मैं तुमसे पूछना भूल गई, ये सवाल मेरे ऑडियंस ने कर लिया जबरदस्त, कि तुम आजकल क्या एसओपीस फॉलो कर रही हो घर से बाहर जा रहे हो? तुम जैसे मेरे शो पे आई हो, अब घर पे जाओगी तो क्या करती हो घर जाने से पहले? वैसे तो मैं जैसे पूरे क्वारंटीन में मैं कहीं निकली ही नहीं। अच्छा, इसलिए भी मैं थोड़ा सा जैसे अभी स्लो हो गई हूँ। हाँ। क्योंकि कोई बाहर की तो कोई एक्टिविटी नहीं थी। इनफैक्ट घर में भी मैं अपने रूम में ज्यादा रहती थी। अच्छा, तो वो एक रूटीन बन गया था। अभी आपके शो पर मैं आ जाई हूँ इतने दिनों के बाद निकल गई। ज्यादा से ज्यादा मैं गई हूँ तो स्प्रिंग तक शॉप ग्रोसरी करने के लिए। तो लेकिन ये कि मैं जब एक तो खुद से भी सैनिटाइज करके सारा हाथ उस तरह से मास्क पहन के, उसके बाद जब यहाँ पे भी आई हूँ तो वो जो तहा है उन्होंने वो उससे निकाला, वो जो सारी मशीन डिसइंफेक्ट जो करती है,
आई एम सो ग्लैड कि चैनल्स पे भी वो ऐसे हम तो रोज आ रहे हैं भाई और जरूरी है और कितना आप जब आई हैं कितना दिल कर रहा था कि है ना हक कर लो एकदम जो मैंने कहा याद दिलाया कि यार ये तो हम गड़बड़ जमाने में मिल रहे हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ ना अब सफाई का एक रुझान बना है अदरवाइज हमारे सफाई का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था वाकई और हम इतना बच भी इसलिए गए क्योंकि सफाई का कॉन्सेप्ट था ही नहीं इम्यून हुए हमें हम लोग सही कह रही हूँ जी तो इससे पहले कि मैं अपने शो ख़त्म करूँ मैं बताना चाहती हूँ कि सोनिया के आने की खुशी में जो सेट इतना हमारी खूबसूरत लगाया है वो सीबो की तरफ से इन हालात में सीबो जो है उन्होंने सेट लगा के दिया सोनिया हमें 25,000 लोग इनके साथ मतलब इनके अंडर काम करते हैं अंडर वन रूफ ये छोटे इवेंट्स जो हैं वो भी अरेंज कर लेते हैं जैसे होता है ना हमारे घर में कोई दावत है वो तो हम समझ नहीं आता हम किससे अरेंज करवाएं क्या करें तो सीबो पे ये खासियत है कि आप इनके पेज पे जाकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किससे अपना इवेंट कराना है और जिन्होंने ये इवेंट पूरा इवेंट नहीं मतलब जिन्होंने पूरा सेट डेकोर किया है उनका नाम है crystalevents.tk आप सर्च कर सकते हैं साथ साथ भाई हमने सोनिया के लिए कुछ खाना रखा है जो कि हमने शो के बाद हमने खाना है वो ख़ास तौर पे बड़ी मोहब्बत से बनाया है हैंड्स ऑन अरोमा ने तो थैंक यू सो मच क्योंकि हमें तो समझ नहीं आता इस दफ़ा ईद करेंगे कैसे बिल्कुल और आई थिंक ये बड़ा मिलेंगी कहाँ से बिल्कुल और आई थिंक ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है जैसे आप लोग हो गए जो काम कर रहे हैं जो रोज़ाना आप हालांकि आपका भी दिल करता है कि क्वारंटीन में रहें अपने आप को सेफ रखें बच्चे हैं ना घर पे तो हमें डर लगता है मगर फिर हम भी बैठ जाएंगे बावजूद आप लोग निकल के आते हैं सारे कैमरामैन सारी टीम जो है ऑब्वियसली कम हो गई है लेकिन फिर भी वो लोग आके काम कर रहे हैं अपनी जानें रिस्क पे करके सारे पुलिस ऑफिसर्स सारे डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइनर्स हैं तो आई थिंक सल्यूट टू यू गाइज और हम इसीलिए निकल रहे हैं क्योंकि मैंने अक्सर ये पढ़ा है कि जैसे जंगें भी होती थी ना तो जो एंटरटेनर्स होते थे उनका काम होता था वो उस दौर में डिप्रेसिव दौर में लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करना बिल्कुल तो वो हम एक्चुअली यही काम कर रहे हैं कि हम निकल रहे हैं घर से सिर्फ इसलिए ताकि आप घर पे बैठे कुछ कहना चाहोगे अपने फैंस को ईद मैसेज कुछ कहना चाहोगी आई थिंक क्वारंटीन ये एक ऐसा एक गुजरा है जो आप लोगों ने सब ने एक्सप्लोर किया है अपने आप को सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं आई थिंक बहुत सारे लोगों ने बिला वजह किसी को मैसेज भी कर दिया है तो मुझे लगता है ये चीज़ें जो हैं ये कंटिन्यू रहनी चाहिए लाइफ में ये ठहराओ ये जो पोल्यूशन ख़त्म हुआ अभी बीच देखें हमारा वीनस बीच से कम नहीं लग रहा है हमारा पूरी वाइट सैंड हो गया मैंने कभी ज़िंदगी में सी व्यू को इस तरह नहीं देखा तो इस तरह की सफाई रखें रूल्स फॉलो करें और SOPs वैसे भी फॉलो करें लाइफ में बहुत ज़रूरी है और सबसे कनेक्टेड रहें हार्ट टू हार्ट है ना सब एक दूसरे से बहुत करीब बिल्कुल ईद मिलें सबसे मतलब घर जाके नहीं ऑफकोर्स लेकिन सबको वीडियो कॉल करें दूर थोड़ी है हाथ दूर हुए दिल तो दूर नहीं हुए ना बिल्कुल बहुत शुक्रिया सोनिया थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इन हालात में हमारे पास आयो तो ये तो ज्यादा रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए हमारे दिलों में बढ़ गई है और फैंस के दिलों में थैंक यू एंड बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से कि तुम बहुत 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 आगे जाओ बहुत कामयाब हो लेकिन मैं बहुत ये भी दुआ देती हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा सा लड़का मिले जिसके साथ तुम बहुत खुश रहो और इंशाल्लाह बच्चे भी हो तुम्हारे बहुत सारे बच्चे तो बहुत होंगे 10 बच्चे होंगे इंशाल्लाह होगा भी लड़का भी मिलेगा तुम्हें और तुम्हारा मनपसंद मिलेगा मेरी दुआ ही है देख लेना गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अपना बहुत ख्याल रखिएगा ये थे हमारे ईद के शोज उम्मीद है आपको सारे पसंद आए होंगे और अब कल से होंगे जी हम वही अपने सादे सुदे कपड़ों में ये बहुत गोटे किटारी आपने देख ली अब तो जी इंतज़ार कीजिए कल मिलने का कल मिलेंगे लेकिन प्लीज़ घर पे रहिए खबरदार जो बारबेक्यू करने के लिए सब कुछ जमा कर लिया घर में अगली ईद पे कीजिएगा जिंदगी है तो सब कुछ है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ईद मुबारक खुदा हाफिज़